आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है। स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। तो इंटेंस मैथ रिवीजन 2.0 का ये लेक्चर 1 है और ये जो क्लासेस हैं ये आपकी सीजीएल मेंस साथ में सीएचएसएल मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पे हम कंप्लीट मैथ का रिवीजन करने वाले हैं और ये रिवीजन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। और आज जो हमारा फोकस रहने वाला है वो सीजीएल मेंस 2023 के पेपर पे रहने वाला है, लेकिन हम उसके साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, ठीक है। देखो शुरू में जो दो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली मिक्सचर पे बेस्ड है, ठीक है, और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे मैं जो SI CI 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 का डिफरेंस होता है उस पे बेस्ड मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व भी कराऊंगा। तो शुरू की जो 4-5 स्लाइड्स हैं ना थोड़ी सी हार्ड है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है समझने में तो इसका मतलब आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको दो वीडियो सजेस्ट करूंगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तभी आपको इन वीडियोस को रेफर करना है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा मिक्सर एलिगेशन का वीडियो है, 1 घंटे 10 मिनट का है सिर्फ। साथ में ये मेरा SI CI 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 डिफरेंस वाला वीडियो है जो सिर्फ 20 मिनट का है, 1.5 घंटे में आपका दोनों टॉपिक निपट जाएगा, तो आप इसको देख लेना। साथ में ये वाला जो वीडियो है इसमें एक छोटा सा करेक्शन है जो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, तो आप उसको देख लेना। बाकी आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो ही आपको इन दोनों लेक्चर को रेफर करना है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू के जो दो क्वेश्चन है काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। देखो तो मैं चाहता हूँ आप इस वाले क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और फिर आप इस वाले क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। तो देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। जैसे मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें आपका ए और बी दो चीज़ें हैं, मतलब मिक्सचर है ना तो दो चीज़ें मिलकर बनी होंगी। तो जब आप इसमें से कुछ भी निकालते हो ना तो उसमें आपका ए और बी दोनों ही चीज़ निकलेगा, समझ रहे हो। जब आप इसमें से निकाल रहे हो, मान लो आप 1 लीटर पानी निकाल रहे हो इसमें से, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन निकाल रहे हो, पानी नहीं बोलूंगा, 1 लीटर सोल्यूशन निकाल रहे हो, तो आपका ए भी निकलेगा और बी भी निकलेगा। फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ बी, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ बी, तो जो चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ए पे फोकस करना है। ये आपका रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या है, जो चीज़ आप ऐड करते हो उस पर आपको फोकस नहीं करना है, जो चीज़ आपकी उसके अलावा है उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है और हम ये समझेंगे कि हमें फोकस किस पे करना है। कह रहा है 80 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ अ स्प्रिट एंड वाटर इज इन द रेशियो ऑफ 7:9 इज प्रेजेंट इन कंटेनर ए। 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ट्रांसफर टू अनदर कंटेनर बी, देन कंटेनर ए इज फिल्ड विद 20 लीटर ऑफ वाटर। तो देखो यहाँ पे आप 20 लीटर ऑफ पानी डाल रहे हो, तो आपको पानी पे फोकस न करके आपको स्प्रिट पे फोकस करना है, ठीक है। और जिस चीज पे फोकस करना है ना हमें बेसिकली ये निकालना रहता है कि वो कितना बच रहा है कंटेनर में। सेम यहाँ पे भी हम ये देखेंगे कि कंटेनर ए में कितना स्प्रिट बच रहा है, और यहाँ पे भी हम सेम चीज देखेंगे कि हम देखो यहाँ पे क्या मिला रहे हैं, यहाँ पे मिला रहे हैं हम क्या मिला रहे हैं, एक बार देखो 3 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज इम्पटीड एंड 2 लीटर ऑफ मिल्क। देखो यहाँ पे हम मिल्क को ऐड कर रहे हैं ना, तो मतलब हमें मिल्क पे फोकस नहीं करना है, हमें वाटर पे फोकस करना है। और यहाँ पे भी हम यही देखेंगे कि हमारा पानी कितना बच रहा है, हमें यही चीज देखनी है, ठीक है। अब आ जाओ, अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि हमें स्प्रिट पे फोकस करना है। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मैं आपको एक बार कहानी समझा दे रहा हूँ कि हमारा यहाँ पे क्या चीज हो रहा है। देखो ये है आपका कंटेनर ए, ये है आपका कंटेनर बी, यहाँ पे आपका 80 लीटर मिक्सचर है जिसमें आपका स्प्रिट और वाटर दोनों होगा। इसमें से मैं 20 लीटर ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, तो 20 लीटर जब ट्रांसफर करूंगा तो भाई स्प्रिट वाटर दोनों ही जाएगा। साथ में आप एक चीज और समझो, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखो 80 लीटर टोटल सोल्यूशन है, 20 लीटर मैं भेज रहा हूँ, मतलब मैं 1/4 हिस्सा बेच रहा हूँ। जब मैं 1/4 हिस्सा भेज रहा हूँ तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जितना भी यहाँ पे स्प्रिट है और जितना भी यहाँ पे वाटर है, उस वाटर का 1/4 हिस्सा यहाँ पे जाएगा और उस स्प्रिट का 1/4 हिस्सा यहाँ पे जाएगा। मान लेता हूँ यहाँ पे 4 लीटर अगर पानी था, मतलब इस 80 लीटर में मान लो 4 लीटर पानी था, तो इसका 1/4 हिस्सा वहाँ पे चला जाएगा, मतलब 1 लीटर यहाँ पे चला जाएगा और 3/4 हिस्सा बच जाएगा। आपने 1/4 हिस्सा यहाँ पे ट्रांसफर किया है ना, तो मतलब 3/4 हिस्सा यहाँ पे बच गया, तो 4 का 3/4 आपका 3 लीटर होता है, मतलब 3 लीटर पानी आपका यहाँ पे बचा है। आपको ये भी बात समझ में आनी चाहिए। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसमें 20 लीटर पानी को ऐड कर दे रहा हूँ। जब मैंने 20 लीटर पानी को ऐड कर दिया तो ये फिर से 80 लीटर हो गया। देखो यहाँ पे 20 लीटर निकाला तो यहाँ पे 60 लीटर बचा था, फिर 20 लीटर ऐड कर दिया तो यहाँ पे आपका क्या 80 लीटर हो गया। और आपने 20 लीटर पानी ऐड किया है तो इससे आपको समझ में आता है कि आपको स्प्रिट पे फोकस करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया है, 32 लीटर यहाँ पे फिर से यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया 32 लीटर। देखो 32 लीटर ट्रांसफर किया है 80 लीटर का, मतलब 2/5 हिस्सा ट्रांसफर किया है। जब आपने 2/5 हिस्सा ट्रांसफर किया है, मतलब 3/5 हिस्सा बचा होगा।
आपने 250 हिस्सा ट्रांसफर कर दिया ना, तो इसका 80 लीटर का 3/5 हिस्सा बचा होगा, सॉरी 3/5, हाँ 3/5 बचा होगा, और इस स्प्रिट का भी 3/5 हिस्सा बचा होगा, इस वाटर का भी जो भी इसमें वाटर होगा उसका 3/5 हिस्सा बचा होगा। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सिंपल है। देखो हमें यहाँ पे ये समझ में आ गया कि हमें हमारा जो फोकस रहना चाहिए वो स्प्रिट पे रहना चाहिए। तो देखो 80 लीटर यहाँ पे आपका मिक्सचर है जिसमें स्प्रिट कितना है, जो रेशियो स्प्रिट और वाटर का 7:9 है, तो स्प्रिट आपका 7/16 है। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो 16, 25 और 7, 25, 35, तो शुरू में 35 लीटर यहाँ पे स्प्रिट है। ये बात आपको समझ में आ रही है ना कि 80 लीटर में आपका 35 लीटर स्प्रिट है शुरू में। अब आपने 20 लीटर जो इस मिक्सचर का है वो ट्रांसफर कर दिया कंटेनर बी में, कंटेनर बी को हम बाद में देख लेंगे, अभी हम सिर्फ कंटेनर ए के स्प्रिट पर फोकस करते हैं। तो आपने 20 लीटर ट्रांसफर किया, मतलब 1/4 हिस्सा ट्रांसफर किया सोल्यूशन का, तो उस सोल्यूशन का 3/4 हिस्सा बचेगा, साथ में स्प्रिट जितना था उसका 3/4 हिस्सा बचेगा, जो वाटर है उसका 3/4 हिस्सा बचेगा। वाटर से हमें मतलब नहीं, हमें स्प्रिट से मतलब है, तो स्प्रिट का 3/4 हिस्सा बचेगा। थोड़ा सा मैं साफ लिख देता हूँ, स्प्रिट का 3/4 हिस्सा बचा है कंटेनर ए में, मतलब कंटेनर ए में इतना हिस्सा बचा है। अब देखो 20 लीटर मैंने पानी मिला दिया तो वो 80 लीटर फिर से हो गया, फिर मैंने 32 लीटर ट्रांसफर कर दिया फिर से कंटेनर बी में। जब मैंने 32 लीटर ट्रांसफर किया तो आप देखो यहाँ पे 80 लीटर सोल्यूशन था, 32 लीटर ट्रांसफर किया मतलब 2/5 हिस्सा मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो 3/5 हिस्सा बचा है, तो जो स्प्रिट बचेगा अब कंटेनर ए में स्प्रिट इतना बचा है। मेरे ख्याल से आपको इतनी बात एकदम क्लियर है कि जो हमारा स्प्रिट बचा है कंटेनर ए में वो इतना बचा है। तो एक बार अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 16, 25, 80 से 80 चला गया, आपका यहाँ पे 9/7 63, तो 63/4 हिस्सा आपका स्प्रिट बचा है कंटेनर ए में। ये आपका कंटेनर, सॉरी स्प्रिट है, सिर्फ ऐसे लिख देता हूँ ना, स्प्रिट आपका बचा है कंटेनर ए में, इतना आपका बचा है। अब आप थोड़ा सा समझो क्या हो रहा था यहाँ पे कहानी। ये तो मैंने निकाल लिया कि इतना कंटेनर ए में बचा है। अब आप ध्यान से देखो, शुरू में स्प्रिट था 35 लीटर, अब बचा है इतना, तो बचा हुआ स्प्रिट कहाँ गया? ये देखो, ये आपका कंटेनर ए है, ये आपका कंटेनर बी है। शुरू में 35 लीटर स्प्रिट था, अब 63/4 लीटर स्प्रिट आपका बचा है, तो बचा हुआ स्प्रिट कहाँ गया? अरे यार, आपने इसी में तो ट्रांसफर किया है, और कहीं तो ट्रांसफर किया नहीं है, तो जो बचा हुआ स्प्रिट है वो आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे हमने ट्रांसफर क्या किया था, एक बार आपने 20 लीटर मिक्सर ट्रांसफर किया था, एक बार आपने 32 लीटर ट्रांसफर किया था, तो यहाँ पे कितना लीटर मिक्सर होगा? यहाँ पे आपका 52 लीटर मिक्सर होगा कि नहीं? अरे आपने एक बार 20 लीटर ट्रांसफर किया, एक बार 32 लीटर ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे 52 लीटर मिक्सर होगा। अब आप एक बात समझो, यहाँ पे 63/4 हिस्सा बचा है, बचा हुआ तो स्प्रिट यहाँ चला गया होगा, तो 35 में से अगर आप 63/4 घटा दोगे तो बचा हुआ हिस्सा आपका स्प्रिट यहाँ पे चला गया है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो 35 × 70 = 140 में से अगर मैं 63 घटा दूँ तो आपका कितना बचेगा? आपका बचेगा 77, तो 77/4 आपका स्प्रिट यहाँ पे, यहाँ पे आपका 77/4 स्प्रिट है। और एक बार बताओ मुझे, 52 लीटर यहाँ पे सोल्यूशन है, तो बचा हुआ क्या होगा? बचा हुआ पानी होगा भाई, इतना स्प्रिट है, इतना आपका टोटल 52 लीटर सोल्यूशन है, तो बचा हुआ स्प्रिट होगा। तो मतलब 77/4 आपका स्प्रिट है, साथ में जो आपका यहाँ पे वाटर है वह 52 − 77/4 है, तो आपका 208 − 77 कर दो, तो 208 − 77 कर दूँ अगर मैं, तो आपका कितना जा रहा है? आपका यहाँ पे 1 आ जा रहा है, यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे 131 आ जा रहा है, तो 131/4 आपका यहाँ पे वाटर आ चुका है। तो रेशियो भी निकाल सकता हूँ, 4 से 4 चला जाएगा। हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है द रेशियो ऑफ वाटर टू स्प्रिट, तो वाटर का 131, स्प्रिट का 77, मतलब 131 आपका रेशियो 77 हो जाएगा। इससे आसान तरीका आपको इसमें नहीं मिल सकता, इससे आसान तरीका नहीं है, ठीक है? ये बेस्ट तरीका है। और हम जो चीज़ कर रहे हैं ना यहाँ पे, हम स्प्रिट को देख रहे हैं, क्योंकि हम वाटर मिला रहे हैं तो हम स्प्रिट को देख रहे हैं, और ऐसे ही आपको स्प्रिट देखना है। आपको जो भी आप इस टाइप के जितने क्वेश्चन होते हैं ना, आपका इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको इतनी चीज़ें समझाई है, अब मैं आपको बताता हूँ इसको मतलब तुरंत कैसे करना है, मतलब ये चीज़ तुरंत हम करेंगे तो हमें कितना समय लगना चाहिए, ठीक है? देखो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि कंटेनर ए में कितना स्प्रिट बचा है। तो 80 लीटर था, फिर हमने यहाँ पे इतना इसमें क्या है, इतना इसमें स्प्रिट है, ठीक है? मतलब शुरू में 35 लीटर आपका स्प्रिट है जो आपको दिख रहा है। अब आपने 20 लीटर निकाला, मतलब वो आपका 1/4 हिस्सा निकाला, तो 3/4 हिस्सा बचा है। फिर आपने 32 लीटर, क्योंकि हमने यहाँ पे 20 लीटर ऐड भी कर दिया, तो फिर से सोल्यूशन 80 लीटर हो गया। फिर हमने 32 लीटर निकाला, मतलब 2/5 हिस्सा निकाला, तो 3/5 हिस्सा आपका निकल जाएगा। तो इतना स्प्रिट आपका कंटेनर ए में बचा है, इतना स्प्रिट आपका कंटेनर ए में बचा है, जो कि आपका आ रहा है
63/4, ठीक है। 35 स्प्लिट था, इतना बचा, मतलब बचा हुआ स्प्लिट आपका कहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है, बचा हुआ स्प्लिट आपका यहाँ पे कंटेनर बी में ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। तो 35-63/4 140, मतलब 77/4 आपका ट्रांसफर हो चुका है कंटेनर बी में। ये आपका स्प्लिट कंटेनर बी में है। कंटेनर बी में टोटल सोल्यूशन कितने का है, एक बार मैंने 20 लीटर ट्रांसफर किया था, एक बार मैंने 32 लीटर ट्रांसफर किया है, मतलब 52 लीटर ट्रांसफर किया है, जिसमें स्प्लिट इतना है। तो 52-77/4 ये आपका वाटर है कंटेनर बी में। बस अब यहाँ से आपका इजीली रेशियो निकाल लो, आपका 77:131 आ जाएगा। लेकिन जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको दो रेशियो ऐसा दिखेगा, जब भी दो रेशियो ऐसा दिखे तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। शुरू में आपको अलर्ट होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अगर सारे रेशियो अलग अलग नंबर्स होते तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब आप ऑप्शंस देखोगे आपको दो दिखेगा सेम टाइप का, फिर आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि ऐसी जगह पे आप सिली मिस्टेक करते हो, ठीक है। तो अब आपको वाटर और स्प्रिट का पूछा है, तो बस वाटर का ये है, स्प्रिट का ये है, तो आपको ऐसे करना है। इससे बेस्ट सोल्यूशन आपको कहीं पर भी, आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पे मैंने क्या कहा था आपको, देखो एक कैन है 25 लीटर ऑफ वाटर, एक कैन है जिसमें 25 लीटर ऑफ वाटर है, मिल्क है जो 1:4 में मिक्स्ड है, 3 लीटर ऑफ मिक्सर इज इम्पटीड एंड 2 लीटर ऑफ मिल्क इज एटेंड। अब देखो पहले तो आपको एक बात ध्यान देनी है कि हम मिल्क को ऐड कर रहे हैं तो हमें फोकस वाटर पे रखना है। हम सिंपली ये निकालेंगे कि वाटर कितना बचा है उस कंटेनर में, जो हम इजिली निकाल सकते हैं। साथ में आपको एक बात और ध्यान देना है कि हम यहाँ पे 3 लीटर निकाल रहे हैं और 2 लीटर भर रहे हैं। यहाँ पे देखो हम 20 लीटर निकाले थे तो 20 लीटर ही भरे थे यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट आया, लेकिन जो मैंने आपको ऊपर सिखाया वही चीज़ आपको फॉलो करनी है, आपका इजीली आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको कोई भी फर्जी फॉर्मूला वगैरह नहीं याद कराता हूँ, जो चीज़ है वो फील कराता हूँ, तो फील करो बस। देखो 25 लीटर पानी है, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ वाटर कितना है, वाटर निकाल रहा हूँ सिर्फ, वाटर कितना बचेगा। 25 लीटर आपका सोल्यूशन है जिसमें 1:4 है, मतलब आपका 1/5 आपका पानी है शुरू में, इतने तो पानी है। अब देखो ना, आपने 3 लीटर निकाला, मतलब 25 लीटर का आपने 3 लीटर निकाला है, बहुत ही ध्यान से सुनना, बिल्कुल कंसंट्रेट हो गया वरना आपको समझ नहीं आएगा। 25 लीटर का आपने 3 लीटर निकाला, मतलब 3/25 हिस्सा निकाला और 22/25 हिस्सा बच गया है, तो 22/25 हिस्सा आपका बच गया है। अब आप ध्यान से देखो, आपने 3 लीटर निकाला था 25 लीटर में, तो अब कितना मिक्सर बचा है, अब मिक्सर आपका बचा है जो 22 लीटर, ये तो बचा है 22 लीटर तो बचा है भाई, आपने 3 लीटर निकाल लिया तो 22 लीटर ही तो बचा। अब आप इस 22 लीटर में 2 लीटर दूध ऐड कर दे रहे हो, जब आपने 2 लीटर दूध ऐड कर दिया तो आपका 24 लीटर सोल्यूशन हो गया कि नहीं, आपका 24 लीटर सोल्यूशन हो गया। मेरी बात को बहुत ही ध्यान समझो, जो चीज़ कह रहा है वही लिख रहा हूँ, 24 लीटर सोल्यूशन हो गया। अब क्या कह रहा है, एंड द सेम प्रोसेस इज कैरीड आउट वन मोर टाइम, मतलब फिर मैं 3 लीटर निकालूंगा और फिर मैं 2 लीटर ऐड करूंगा, यही करूंगा। तो फिर जब आप इसमें से 3 लीटर निकालोगे तो अब आप 3/24 हिस्सा निकाल रहे हो, मतलब आप 1/8 हिस्सा निकाल रहे हो, तो 7/8 हिस्सा बचेगा। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ना, मैं पूरा लिखता हूँ जिसे आपको जब मैं PDF दूँ तो आपको समझ में आए। आप 3/24 हिस्सा निकाल रहे हो तो आपका 21/24 हिस्सा बचेगा पानी। अब आप देखो, अब फिर से आपने 2 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, क्योंकि हमारा प्रोसेस कब कंप्लीट हो रहा है, जब हम 3 लीटर खाली कर रहे हैं और 2 लीटर ऐड कर रहे हैं तब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। तो आपने 3 लीटर निकाला तो 21 लीटर बचा। अब इसमें आप 2 लीटर दूध ऐड कर रहे हो तो आपका यहाँ पे फिर से 23 लीटर सोल्यूशन बचेगा। तो आपका 23 लीटर सोल्यूशन बचा है जिसमें आपका पानी इतना है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो आपका 25 से 25 गया, ये आप 7/8 कर लो तो आपका कितना जा रहा है, आपका इसको आप और काट लो, चलो तो आपका ये 2 आ गया, ये आपका 11 आ गया, मतलब 4 आएगा ना, 77/20 आपका आ चुका है, 77/20 आपका आ चुका है वाटर, ये आपका वाटर है, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे क्या बताना है, देखो वॉट, एक सेकंड, क्या बताना है आपको, वॉट विल द फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, पहले तो मिल्क टू वाटर बताना है, मतलब वाटर आपका बाद में आएगा, तो आपको वैसे दिख रहा है तो आपको ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वाटर आपका बाद में, क्योंकि 77 आपका यहीं पर आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो इतना वाटर है, इतना सोल्यूशन है, मतलब जो आपका वाटर अगर इतना है, 77/20 मान लेता हूँ ये आपका वाटर है, तो मिल्क कितना हो जाएगा, इतना ही तो सोल्यूशन है, तो 22 में से अगर मैं 77/20 घटा दूंगा तो आपका ये आ जाएगा मिल्क, तो ये आपका कितना जा रहा है, सॉरी 23 लीटर, तो 460-77 कर दूंगा आपका, तो आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, वैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 भी आ रहा है, तो आपका यही वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, आपके आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, तो
5 3 8 383 बटे 20 आ जाएगा, ये आपका 383 बटे 20 आ गया है, तो 20 से आपका 20 चला गया है, तो आपका यहाँ पे बेसिकली 383 रेशियो 77 आ जाएगा, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने क्या किया, हमने, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ क्या किया हमने, हमने सिंपली क्या किया है, हम यहाँ पे दूध ऐड कर रहे हैं, तो हमने ये देखा कि पानी कितना बच रहा है, पानी कितना बच रहा है, शुरू में 25 का 1/5 हिस्सा पानी था, फिर मैंने 3 लीटर निकाला, 3 लीटर मैंने 25 लीटर में से निकाला है, मतलब 22/25 लीटर बच जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे 2 लीटर ही ऐड किया, तो 25 में से 3 निकाला, तो आपका 22 बचा, 22 में आपने 2 लीटर ऐड किया, आपका 24 लीटर का सलूशन हो चुका है। अब उस 24 में से आप फिर 3 लीटर निकालो, मतलब 21/24 हिस्सा बचेगा, ठीक है। अब इतना आपका बचा है दूध, साथ में जो आपका सलूशन है, फिर आप 2 लीटर ऐड करोगे, तो आपका जो सलूशन है वह आपका 23 लीटर का हो चुका है। तो इतना दूध है बचा हुआ, 23 माइनस सेम कर दोगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा पानी। तो आप ऐसे मिल्क रिसीव वाटर आराम से निकाल सकते हो। वेट यहाँ पे वाटर, हाँ ठीक है वाटर ही आया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये मिक्सचर एलिगेशन वाला लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं मैं आपको ये बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्या है कि मान लो कोई पैसा है जो 2 साल में आपका 64 से 81 हो जा रहा है, मतलब 2 ईयर्स में आपका ये पैसा इतने से इतना हो जा रहा है, आपसे पूछ लेगा रेट क्या है, या आपको रेट देके ईयर पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको 2 वैल्यूज दिया, पहली बात तो ये अमाउंट है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह नहीं, आपका अमाउंट है, मतलब टोटल रुपए कितना हो गया है, इंटरेस्ट वगैरह सब लेके 2 साल में आपका पैसा 64 से 81 हो जा रहा है, आपको कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेना है, तो ये ऑलरेडी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब आपको इसको पावर में कन्वर्ट करना है, जैसे आपको दिख रहा है ये आपका 8 का स्क्वायर है और ये आपका 9 का स्क्वायर है, ठीक है। तो जो ये स्क्वायर होता है, जो ये पावर होती है, ये आपके टाइम को डिनोट करती है, टाइम को डिनोट करती है। और जो 8 से 9 हो जा रहा है, जैसे ये 8 से 9 हो जा रहा है, तो ये आपका यहाँ से आप रेट निकाल सकते हो। आपको दिख रहा है 1 बढ़ रहा है 8 पे, मतलब 1/8 जो आपका 12.5% होता है, तो ये आपका रेट निकल के आ गया। तो हमें इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लेना है। एक बात और समझो, अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो ये जो 2 है ना, इतना ही आपका टाइम हो जाएगा 2 ईयर्स। लेकिन अगर आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो जो ये आपको पावर दिख रही है, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। जैसे मान लो अगर ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता, तो ये आपका जो 2 पावर आया ना, ये बेसिकली ये डोनेट कर रहा है कि 1 ईयर को डोनेट कर रहा है, अगर ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता तो इसका जस्ट हाफ हो जाता है। तो अब हम इसको देखो, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका जो पैसा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना एट 20% पर एनम इज इतना। यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, लेकिन आपको अमाउंट लिखना है, अमाउंट का होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आपको जो पैसा 10,000 रुपये है ना, वह आपका इसमें 10,000 ऐड कर दो, तो आपका 14641 हो जा रहा है। कंपाउंडेड इज डन हाफ ईयरली, देखो यहाँ पे हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली, तो जो आपका जो 20% है, बेसिकली 10% है, तो आपका जो पैसा है 10 से 11 हो जा रहा है 6 महीने में। 1 साल में आपका इतना हो जाएगा, 18 महीने में आपका इतना हो जाएगा, और आपका 2 साल में इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ कह रहा है। तो अब आपको इसको 10 की पावर और इसको 11 की पावर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको पता है कि 10 से 11 हो रहा है, तो ये आपका 10 की पावर 4 है, ये आपका 11 की पावर 4 है। मैंने क्या बोला, ये आपका टाइम को डिनोट करता है। आपको क्या पूछा, आपसे पूछा हाउ मेनी ईयर्स, ये आपका टाइम को डिनोट कर रहा है। साथ में यहाँ पे हाफ ईयरली है, तो इसका जस्ट हाफ कर दूंगा, तो ये बेसिकली आपका 2 ईयर्स आ जाएगा, 2 ईयर्स आ जाएगा, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका SICI CICI डिफरेंस पे बेस्ड है। ये वाली चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये दोनों चीज़ें हम इस क्लास में देखेंगे, साथ में हम नेक्स्ट क्लास जब भी करेंगे तो इसका हम रिवीजन करेंगे। तो आपको तब ये चीज़ें ना ओरली पता होनी चाहिए, आपको कुछ सोचना ना पड़े, ऐसे डायरेक्ट आप लिख दो, इतना आपको हो जाना चाहिए तब तक, ठीक है। तो देखो, अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप मुझे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, बेसिक तरीके से, अगर प्रिंसिपल आर है, रेट आर परसेंट है, तो आपको मुझे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, बिल्कुल बेसिक वाले मेथड से। कैसे निकालते हो, मान लो ये प्रिंसिपल है और रेट आपका आर परसेंट, तो आप इसका आर परसेंट निकालोगे, तो आपका ये कुछ आएगा, और फिर इसका आर परसेंट आप यहाँ पे भी लिखते हो, और फिर इस आर परसेंट का आप आर परसेंट यहाँ पे लिखते हो, ऐसे तो निकालते हो, तो इस आर परसेंट का भी आप आर परसेंट यहाँ पे लिखते हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पड़ता है। अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया था, तो फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो आपका ये वाला डिब्बा आया है। अगर मैं बोलूं आपसे सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो, तो आपका ये वाला डिब्बा है, ये सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर मैं बोलूं फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट और सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बता दो, तो आपका ये वाला जो डिब्बा है, यही तो डिफरेंस आ रहा है भाई, यही डिब्बा तो एक एक्स्ट्रा आ रहा है,
बाकी ये भी पी का आर परसेंट है, ये भी आपका पी का आर परसेंट है। तो ये जो पी के आर परसेंट का आर परसेंट है, यही आपका डिफरेंस आ रहा है फर्स्ट ईयर सीआई में और सेकंड ईयर सीआई में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस केस में लिखूं, यहाँ पे प्रिंसिपल पी था, रेट 10% था, तो जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सीआई का डिफरेंस आएगा वो पी का आर परसेंट, आर परसेंट 10% पी के 1/10, सॉरी यहाँ पे इक्वल्स टू लिखना चाहता ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका पी का 10% मतलब 1/10 का 10% ये हो जाएगा। मतलब अगर आपसे सीआई डिफरेंस फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर पूछे तो पी के आर परसेंट का आर परसेंट हो जाता है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ, यहाँ पे एक चीज़ और देखूँ, अगर मैं एक से मैं इसको इरेज कर दूँ थोड़ा सा, ठीक है, इरेज कर दूँ, एक मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और बता रखी है कि जो पहला वाला कॉलम होता है ना यहाँ पे, ये आपका बेसिकली एसआई होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ 2 साल का एसआई कितना है, 2 साल का सीआई कितना है, तो ये आपका, क्योंकि आपने यहाँ पे 2 साल के लिए निकाला है, तो ये पहला वाला कॉलम होता है ये आपका सिंपली एसआई होता है। कैसे, देखो आर परसेंट था, 2 साल के लिए 2R% है, तो देखो ये भी आर परसेंट है, ये भी आपका आर परसेंट है, तो ये और प्रिंसिपल का आर परसेंट है ये, और ये आपके प्रिंसिपल के आर परसेंट का आर परसेंट, तो आपको इसको आर परसेंट नहीं मानना है, तो आपका ये सिंपली 2R% सीआई हो गया, और ये पूरा आपका क्या है, एसआई है। अगर मैं बोलूँ 2 साल के लिए एसआई और सीआई का डिफरेंस बता दो, तो आपका एसआई ये आया है, सीआई आपका ये बड़ा वाला डब्बा आया है, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही तो है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 2 साल के लिए एसआई सीआई का जो डिफरेंस है वह पी के आर परसेंट का आर परसेंट है। तो इस केस में आपका जो आ जाएगा एसआई सीआई का डिफरेंस 2 साल के लिए, वो पी का 1/10 का 1/10 आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको इतनी बात एकदम क्लियर है, बस आपको इतनी बात ही ध्यान देनी है। अब आपको ये बात रट जानी चाहिए कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ सीआई का डिफरेंस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का बता दो, तो आपका पी का आर परसेंट का आर परसेंट हो जाएगा। अगर मैं बोल दूँ एसआई और सीआई का डिफरेंस 2 साल के लिए बता दो, तो वो भी आपका पी का आर परसेंट का आर परसेंट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कराऊंगा, फिर हम आगे की चीज़ें लिखेंगे। ये बेसिकली मैंने यहाँ पे 10,000 प्रिंसिपल लिया है, रेट 10% लिया है, ये कंपाउंडेड एनुअली है। तो अगर मैं बोलूँ अमाउंट 1 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, तो इस 10% रेट है ना, मतलब 1/10, ठीक है, तो जो अमाउंट हो जाएगा वो 11/10 हो जाएगा। तो इसका अगर मैं 11/10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 11/10 से, तो आपको ये मिल जाएगा। फिर इसका 11/10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि रेट 10% है भाई। इसका 11/10 कर दूंगा, तो आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का आ रहा है वो इतना आ रहा है, जो सेकेंड ईयर का आ रहा है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस आएगा, तो आपका ये आ रहा है, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ये आ रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इसका 11/10 कर दूँ, क्योंकि रेट 10% है, तो आपका ये आ जा रहा है। इसका 11/10 कर दूँ, तो आपका सिंपली ये आ जा रहा है। ये चीज़ आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी रिलेशनशिप। अगर मैं यहाँ पे देखो, फर्स्ट ईयर का इतना आया है, सेकेंड ईयर का इतना है, अगर मैं इसका डिफरेंस देखूँ, डिफरेंस तो आ रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ऐसे ही सेकेंड ईयर में आपका सीआई इतना आया है, थर्ड ईयर में इतना है, तो इसका डिफरेंस अगर मैं देखूँ, तो डिफरेंस यहाँ पे मैंने लिखा ये। अब यहाँ पे भी आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होगे कि इसका अगर मैं 11/10 कर दूँ, तो आपका ये आ जा रहा है। मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो डिफरेंस है, उसका 11/10 कर दूंगा, तो सेकेंड और थर्ड ईयर का आ जाएगा। फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का जो डिफरेंस है, उसका 11/10 कर दूंगा, तो ये आपका थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का डिफरेंस आ जाएगा, सीआई का डिफरेंस आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात चीज़ आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो बहुत ही ईजिली। तो देखो, अगर मान लो मुझसे पूछ ले थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का बता दो, तो हमें तो एक तो बात पता है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का क्या होता है, पी का यहाँ पे 10% है, तो उसी को डायरेक्ट लेके चलूंगा। पी का 10% जो कि 1/10 होता है, इसका 10%, ये आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सीआई का डिफरेंस है। अब आपको थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में पूछना है, तो पहले आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का लिखे हो, आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पे जाने के लिए क्या करोगे, 11/10 करोगे, क्योंकि रेट 10% है। मान लो अगर रेट आपका 12.5% होता, तो उस केस में ये आपका 1/8 है, उस केस में हम 9/8 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अगर आपको मान लो 12.5% आपको सेकेंड थर्ड ईयर का निकालना है, तो आप पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का निकालोगे, जो आपका पी का 12.5% मतलब जो कि 1/8 है, पी के 1/8 का 1/8 हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का निकला। फिर आपको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का निकालना है, तो उसका 9/8 कर दोगे, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का निकाल दो, फिर 9/8 कर दोगे, इस तरीके से आपको निकालना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आपको फिर से समझा रहा हूँ, ये मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सीआई का डिफरेंस लिखा है, ये मैंने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के सीआई का डिफरेंस लिखा है, ये मैंने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के सीआई का डिफरेंस लिखा है, समझ गए, इस तरीके से आपको करना है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, साथ में ये भी चीज़ आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए कि जो एसआई सीआई का डिफरेंस 2 साल के लिए होता है, जो सिंपल पी के आर परसेंट का आर परसेंट होता है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, साथ में इसको अगर मैं रिवाइज कराऊंगा तो आपको तुरंत फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि आने वाले क्लास में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, जिसको हम तुरंत उड़ाएंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा नई चीज़, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं,
नेक्स्ट बेसिकली आपका कॉर्ड और रेडियस के बीच में रिलेशन है. आपको पता है जैसे जो सबसे बड़ा वाला जो कॉर्ड होता है वो डायमीटर होता है, सबसे बड़ा वाला जो कॉर्ड होता है डायमीटर होता है. डायमीटर को आप 2R लिख सकते हो कि नहीं. तो आपका जो कॉर्ड है ये डायमीटर के बराबर भी हो सकता है, इससे छोटा होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता. मतलब जो आपका कॉर्ड होता है वह आपका लेस देन इक्वल टू 2 रेडियस होता है. इतनी बात आपको पता है भाई, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता. तो यहाँ पे आपको क्या है, कॉर्ड आपका 220.5 दिया है, 20.5, तो जो रेडियस होगा आपका ऐसा कुछ लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है. क्योंकि भाई ये जो है आपका डायमीटर से तो छोटा या इक्वल हो सकता है, तो यहाँ से आपका जो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10.25 आ जाएगी. तो आपका ये वाला डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. मेरे ख्याल से आपको इतनी बात क्लियर है. आ जाओ नेक्स्ट पे. नेक्स्ट यहाँ पे हम एक रिजल्ट ऑब्जर्व करेंगे बहुत ही बढ़िया सा. मैंने आपको बताया जो एंगल ये होता है वही एंगल आपका ये वाला होता है, ठीक है. साथ में जो एंगल आपका ये वाला है वही एंगल आपका ये वाला होगा, तो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा. अब आपको यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको ऑब्जर्व कराऊंगा इस वाले फिगर में. आपको मैंने क्या बताया, जो एंगल ये वाला होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एंगल है वह आपका इस वाले एंगल के बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है. साथ में जो आपका एंगल ये रेड वाला है, रेड वाला, ये जो रेड वाला एंगल है ये आपका इस एंगल के बराबर होगा, इस वाले रेड के बराबर होगा. और आपको पता है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कुछ चीज़ और, अगर मैं आपको कुछ चीज़ और दिखाऊं, तो ये जो ब्लू वाला, ये जो ग्रीन वाला है, ये आपको ट्रेंगल दिख रहा है, आर पी क्यू ट्रेंगल देखो, तो जो ग्रीन ब्लू और रेड का सम है वो आपका 180 डिग्री है. और ये जो ग्रीन ब्लू है ये बेसिकली इसके बराबर है एंगल एस के. मतलब एंगल आर प्लस एंगल एस की वैल्यू भी 180 होगी. कैसे, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ भाई, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर की वैल्यू 180 है कि नहीं. और एंगल पी एंगल क्यू किसके बराबर है, एंगल पी एंगल क्यू एंगल एस के बराबर है, एस के तो बराबर है. तो मतलब एंगल आर प्लस एंगल एस आपका 180 डिग्री हो जाएगा. मतलब अगर जो आपको मैं रिजल्ट बताना चाह रहा हूँ, सिंपली ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका ये थीटा है, अगर ये वाला एंगल आपका, ये रेड वाला एंगल अगर आपका थीटा है, तो ये जो आपका ब्लू वाला एंगल है ये आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा. ये रिजल्ट आपको याद रखना है डायरेक्ट. डायरेक्ट नहीं भी याद है तो मैंने आपको प्रूफ बता दिया. आ जाओ नेक्स्ट पे. नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि एट अ सर्टेन टाइम इन अ पार्क द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ लेग्स ऑफ मंकीज एंड ह्यूमन विजिटर वर काउंटेड एंड इट वॉज फाउंड दैट देर वर 54 हेड्स एंड 148 लेग्स. आपको पता है जो इंसान होता है उसका दो पैर होता है, और जो यहाँ पे गोट है, क्या है, मंकी है, मंकी के चार लेग्स होते हैं. इतनी बात पता है. अगर मान लो 54 हेड्स हैं भाई, हेड्स तो 54 ही होगा, इसके पास भी एक हेड होता है, इसके पास भी एक हेड होता है, तो मैं निकाल लेता हूँ 54 हेड से कितने लेग बन रहे हैं, तो आपके 108 लेग्स आ रहे हैं. तो यहाँ पे आपने क्या काउंट किया है, आपने ह्यूमन के भी दो लेग्स काउंट किए हैं, मंकी के भी दो लेग्स काउंट किए हैं, आपने चार नहीं काउंट किया, अभी आपने सिर्फ दो काउंट किया, मतलब दो बच गया है, दो लेग्स अभी आपने काउंट नहीं किया. और कितने लेग्स बचे, 148 लेग्स हैं, तो आपके 40 लेग्स बच गए हैं. ये 40 लेग्स क्यों बच गए, क्योंकि अभी आपने मंकी के दो लेग्स को काउंट नहीं किया. तो सिंपल आपको इसको दो से डिवाइड कर देना है, तो आपके 20 मंकीज आ जाएगा. तो आपका यहाँ पे पूछा गया, आपसे मंकी पूछा, तो आप मंकी निकाल दोगे 20. अगर आपसे इंसान पूछा होता तो 54 हेड्स हैं, मतलब 54 मंकी और वुमन को मिला के, तो 54 होगा, क्योंकि सबके पास एक एक हेड है. तो आपके जो इंसान हो जाते हैं वो 34 इंसान हो जाते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से आपको करना है. इसी पे बेस मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा एसआई का क्वेश्चन रखा है, ठीक है. सेम कॉन्सेप्ट पे, जो ऊपर हमने कॉन्सेप्ट सीखा उस पे बेस हम यहाँ पे एसआई का क्वेश्चन करने वाले हैं. कैसे करेंगे, कह रहे हैं 50,000 रुपये है. इस 50,000 का कुछ हिस्सा मान लो मैं यहाँ पे 8% पे इन्वेस्ट करता हूँ. मान लो मैंने ए हिस्सा 8% पे इन्वेस्ट किया, मैंने बी हिस्सा यहाँ पे 12% पे इन्वेस्ट किया है, और जो आपको टोटल प्रॉफिट मिल रहा है वो आपको 5200 का मिल रहा है. तो आपको, आपसे पूछ रहा है कि आपने 12% पे कितना रुपए इन्वेस्ट किया है. तो सबसे बेस्ट तरीका करने का क्या है कि मैंने ए को 8% पे इन्वेस्ट किया, और मैंने बी को मान लिया कि बी को मैंने 8+4% पे इन्वेस्ट किया है. तो आपको दिख रहा होगा ये ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी आपका ये 50,000 ही तो है, क्योंकि आपने 50,000 का कुछ रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किया, बचा हुआ रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया. तो आपको दिख रहा है ये ए और बी पे 8% तो मिल ही रहा है, मतलब इस 50,000 पे 8% तो मिल ही रहा है, साथ में इस बी पे मुझे 4% और मिल रहा है. तो मैं निकालूंगा इस 50,000 पे या ए बी पे 8% मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 8×5=40, मतलब 4,000 आपको इंटरेस्ट मिल रहा है इस 8% की वजह से. मतलब इस 50,000 पे आपको 4,000 मिल रहा है इस 8% की वजह से. टोटल इंटरेस्ट आपको 5200 का मिल रहा है, तो ये 1200 क्यों एक्स्ट्रा, ये 1200 एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है, इस ये जो 1200 एक्स्ट्रा मिल रहा है ये बी के 4% की वजह से मिल रहा है. बी के 4% की वजह से आपको ये 1200 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो बी का जो 4% है
वह आपका सिंपली 1200 है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका 30,000 हो जाएगा। मतलब 30,000 रुपये आपने 12% पे इन्वेस्ट किया था, तो आपसे वही पूछ रहा है। अगर आपसे पूछता 8% पे कितना इन्वेस्ट किया था, तो 8% पे आप यहाँ से निकाल सकते थे 20,000 आपका आ जाता था, क्योंकि 50,000 टोटल है। तो आपका ये आपने ए का मतलब 8% पे आपने इतना इन्वेस्ट किया था, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो ये इसको करने का बेस्ट तरीका है, और इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसके साथ रखा जिससे आप रिलेट भी कर पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेशेंस वाला क्वेश्चन है। कह रहा है ए बी कैन कंप्लीट अ जॉब टुगेदर एट 12.5, तो इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। तो ए और बी टुगेदर किसी काम को 12.5 मतलब आपका 25/2 दिन में करते हैं, बी और सी इसी काम को 18.75 दिन में करते हैं। तो 18.75/100 कर दो, अगर आप बटे 100 कर दो, पॉइंट मैंने हटा दिया, तो 18 × 74 = 375, 75/4 आ जाएगा आपको। तो ये 75/4 आ जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ एसी, एसी इसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो यहाँ से आप निकाल लो यहाँ पे क्या, क्योंकि अब आप पे यहाँ पे डी की भी बात करें लेकिन डी का कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकाल लो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 75। तो 25 × 3 = 6, आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। तो जो ए बी सी की जो एफिशिएंसी आ रही ना, वो बेसिकली 6, 4, 10, 5, 15, क्योंकि ये 2 ए बी सी की है, तो हमें ए बी सी की निकालना है, तो आपका 7.5 आ जाएगा। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है बी एंड सी टुगेदर बी एबल टू कंप्लीट द सेम जॉब अलॉन्ग साइड, ठीक है, अलॉन्ग साइड ए मतलब डी के साथ, सॉरी डी के साथ, हु इज 40% एज एफिशियंट एज सी। तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि भाई डी की एफिशियंसी क्या है, तो हमें यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा सी की एफिशियंसी क्या है। तो अगर ए बी सी की एफिशियंसी 7.5 है, ए बी की एफिशियंसी घटा दूँ, ए बी की एफिशियंसी 6 है, तो जो सी की एफिशियंसी आ जाएगी वह 1.5 आ जाएगी। ये है सी की एफिशियंसी। डी की एफिशिएंसी इसका 40% है, तो डी इसका 40% 15 × 60 होता है, मतलब 0.6 ये आ जाएगा डी की एफिशिएंसी। हमसे पूछ रहा है अगर ए बी सी डी चारों साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे। तो ए बी सी की एफिशिएंसी 7.5 है, इसकी 0.6 है, मतलब 8.1 ए बी सी डी की जो एफिशिएंसी जाएगी वह 8.1 हो जाएगी। तो 75/8.1 ही आपको पूछ रहा है, तो इसको आप ऊपर भेज दो, और इसको आप 3 से काट सकते हो, तो 3 से काट दो 27 और आपका 250। तो आपको अगर दिख रहा है तो ये आपका 9 समथिंग जा रहा है 9 बार, और 9 बार भी जाएगा, तो आप सिंपल 270 में से 27 घटा दो, तो 270 में से अगर आप 27 घटाओगे तो आपका 243 बचेगा, ठीक है, 243 तो बचेगा, सॉरी 243 है, तो मतलब 7 आपका रिमाइंडर बच रहा है, तो आपका 7/27 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, पेशेंस के साथ करना है, आप आराम से कर लोगे। एन इक्विलेटर ट्रेंगल ए बी सी सरमाउंट स्क्वायर बी सी डी ई। देखो सरमाउंट्स का मतलब सिंपल है कि ये मानो आपका स्क्वायर है, इसके ऊपर आपका ये इक्विलेटर ट्रेंगल है, इसके ऊपर इसके ऊपर आपका ये इक्विलेटर ट्रेंगल, ये होता है सरमाउंट का। आपने सरमाउंट सुना होगा, उसमें मेंसुरेशन 3D में सुना होगा कि एक सिलेंडर है, इसके ऊपर एक कोन सरमाउंट है, या आपका ये कुछ भी दे सकता है कि मानो एक हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर आपका कौन सरमाउंट है, आपने ऐसे सुना होगा। तो सरमाउंट का मतलब होता है उसके ऊपर। तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम ए बी सी इक्विलेटर ट्रायंगल है, जो कि आपका बी सी डी ई के ऊपर आपका सरमाउंट है, और ये आपका स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है, मतलब अगर मानो ये साइड ऐसे ऐसे तीनों बराबर होगी, साथ में स्क्वायर, तो मतलब ये सारी ही साइड्स बराबर है, ये सारी साइड्स बराबर है। आपसे पूछ रहा है ई ए बी, ई ए बी मतलब आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, प्लस 3 AEB आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो आपको एक बात दिख रहा होगा कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, क्योंकि आपका ये स्क्वायर और ये आपका इक्विलेटर एंगल है, तो ये आपका 90, 60, 150, आपका 30 बचा, 30 जो बचा है, मतलब ये भी आपका 15 डिग्री होगा और ये भी आपका 15 डिग्री होगा। अब आपसे पूछ रहा है EAB मतलब 15 प्लस 3 AEB मतलब 3 × 15 जो कि आपका 15 × 60 होगा, आपका 60 डिग्री करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, द एवरेज ऑफ ए बी सी इज 20 ईयर्स, ठीक है, मतलब ए बी सी का एवरेज अगर 20 साल है, तो ए बी सी का जो सम हो जाएगा वह 60 ईयर्स हो जाएगा। इस सम, अगर मैं सम की बात करूं ए बी सी के, तो ये आपका 60 ईयर्स हो जाएगा सम, ठीक है। 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले की बात कर रहा है कि सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी, एक सेकंड, ए एंड बी वॉज, एक सेकंड, यहाँ पे अब दिख रहा होगा आपको, ए एंड बी वॉज 6 मोर देन दैट ऑफ सी, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सी। देखो 2 साल पहले की बात कर रहा है, तो अगर मैं 2 साल पहले का सम निकालूं ए बी सी का,
तो आपका सबके में से दो दो साल घट जाएगा, तीनों में से दो दो साल घटेगा ना, तो आपका 54 ईयर्स आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 2 ईयर्स है तो सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे ए और बी का जो आपका सम है वो 6 ज़्यादा है सी से, तो मैं सिंपल इसमें से 6 निकाल देता हूँ, आपका 48 आ जाएगा, 48 को मैं बराबर बराबर बांट दूंगा, तो इसका आपका 24 साल आ जाएगा और इन दोनों का जो सम आ जाएगा 24 प्लस 6 आपका 30 आ जाएगा। ए और बी का जो सम है 30 आ रहा है और सी का 24 आ रहा है, ये 2 साल पहले की बात है, और आपको प्रेजेंट एज ऑफ सी पूछ रहा है, मतलब इसमें 2 ऐड कर दूंगा तो आपका 26 साल सी का एज आ जाएगा, ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन 2800 एट रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज रुपीज एक्स, तो एक्स की वैल्यू सिंपली आपकी क्या हो जाएगी, सिंपली आपकी देखो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करते हो ना, जो नीचे वाला 100 होता है उससे ये 2 जीरो चला जाएगा, तो आपका जो एक्स की वैल्यू आएगी 28 इंटू आपका पी इंटू आर इंटू टी, ये आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ इतना सिंपल इंटरेस्ट दिया, मतलब ये आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया है इंटू इक्वल टू पी पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से आपका ये 2 जीरो चलाएगा जाएगा, तो आपका 62 इंटू 14 इंटू वाई आ जाएगा, तो यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, आपसे पूछ कह रहा है आपसे एक्स बाई वाई पूछ रहा है, तो आपका ये एक्स हो गया, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल के रख सकते हो, आपका कितना आ जाएगा 1736 आपका ये दोनों ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो आप इसको काट दो, अगर मैं काटूँ इसको 14 से तो 14 करना 14 होता है 33 मतलब 14 दूना 28 और 56 4, ठीक है, हाँ ये आ गया। अगर मैं 3 से काटूँ तो आपका कितना जा रहा है 3 से कहाँ जा रहा है, ये 3 से नहीं जा रहा 62 जा रहा है, 62 से ये 2 बार चला जा रहा है, ये आपका 3 ऐसे ही कटानी सॉरी, ठीक है, 62 से आपका ये 2 बार जा रहा है और इस दौर से ये आपका 14 जा रहा है, 14 तरीक आपका होता है 42 मतलब 420 आपका आ जाएगा, तो आपका ये वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप पे बेस्ड है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये पेशेंस वाला क्वेश्चन है, देखो जब भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना एक बार पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा कि थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा लग रही है, ठीक है, और जब भी कैलकुलेशन ज़्यादा लगे तो उसको आपको पेशेंस से करना है क्योंकि आप जल्दबाजी में पढ़ते हो, आप हो सकता है कुछ पढ़ने में गलती कर दो, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे पढ़ने में गलती कर देंगे, ठीक है, और फिर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, अगर आप पेशेंस के साथ भी करते हो ना तो भी आपकी स्पीड अच्छी रहेगी, लेकिन एक बार पेशेंस के साथ थोड़ा आराम से पढ़ो चीज़ों को। यहाँ पे कह रहा है कि 2 दोस्त हैं ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इतना और इतना, ठीक है, दे एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट देयर अर्निंग इन द सेम रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, मतलब जितने में इन्वेस्ट कर रहे हैं उतने में प्रॉफिट बढ़ेगा, ये तो आपको भी पता है कि जितने में इन्वेस्ट करते हैं उतने में ही प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है, तो इन्होंने इन्वेस्ट किया 150K मतलब 1000 होता है और यहाँ पे 250K इतने में इन्होंने इन्वेस्ट किया, तो जो प्रॉफिट बटेगा वो इतने ही रेशियो में बटेगा, मतलब 3:5 में बटेगा। अब इनको प्रॉफिट होता है 600,000 का, तो ये जो 600,000 का प्रॉफिट है वो आपका 3:5 में बटेगा। अब आपसे कह रहा है ईच ऑफ देम एडेड 50,000 टू देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स, तो आपको एक बात ध्यान देना है यहाँ पे प्रॉफिट में 50,000 ऐड किया जा रहा है, मतलब 600,000 ही तो प्रॉफिट हुआ है, तो ये 600,000 ए और बी बांट लेंगे 3:5 में, और फिर जो आपका आएगा इस 600,000 का जो 3:5 में जो बटेगा इसमें 50,000 ये ऐड कर रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान देना है, और जो ये 50,000 ऐड कर रहे हैं तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट इतना इतना हो गया, तो मतलब जो आपका प्रॉफिट बटेगा इसी के रेशियो में बटेगा फिर, तो जो सेकेंड प्रोजेक्ट से इनका जो प्रॉफिट 4,20,000 का हो रहा है तो पूछ रहे इसमें ए का शेयर कितना है, ठीक है, तो देखो कैसे करना है, आपको पता है इन्होंने जो पैसा मिलाया था वह 150K और आपका 250K मिलाया था, जिसका रेशियो जो आ रहा है वो आपका 3:5 आ रहा है, तो जो आपका ये 600,000 है ये 600,000 जो बटेगा वो आपका 3:5 में बटेगा, तो मैं मान लेता हूँ ए का इतना है बी का इतना है, तो मान लो ये 600K आप लिख लो, तो इसका 3/5 क्योंकि भाई टोटल 8 है उसका 3 हिस्सा ए ने मिलाया है, और 600 का 5/8 ये आपको बी को मिलेगा, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये सिंपली आपका 18 है, ठीक है, ये आपका 18 है और साथ में ये जो आपका ये 30 है, ठीक है, ये आपका 30 है, ठीक है, ये आपका 30 है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखूँ तो 8 × 16 होता है 20 हो गया, 8 × 16 हो गया और आपका इतना के हो गया, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 8 × 3 = 24 60 70 25 इतना हो गया, इसमें ये इनका प्रॉफिट हुआ है 600,000 में, ए को इतना मिलेगा बी को इतना मिलेगा, इसमें 50,000 और मिला देते हैं 50,000 और मिला देते हैं, तो यहाँ पे आपका कितना आ जा रहा है 5,27,275 और यहाँ पे आपका आ जा रहा है 425K, तो अब इतने रेशियो में जो 4,20,000 मिल रहा है ये आपका इतने रेशियो में बटेगा, तो इसका रेशियो निकाल लो, तो 25 से काट लो आप सिंपली, तो आप 25 से काटोगे तो आपका 2 × 8 8 3 11 रेशियो
आपका 4 × 16 170, इतना आपका आ जा रहा है रेशियो, मतलब 11 रेशियो 17 में बटेगा। तो अगर मैं ए की बात करूँ तो 4,20,000 का इसको इसको 11/28 मिलेगा, 11/28 मिलेगा। तो यहाँ से आपका 14 × 14 = 3, आपका यहाँ से इसको भी देख लूँ 5 आ जाएगा, तो आपका 5 × 15 = 11 = 165 होता है, तो आपका ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो, अ सेट ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास इंटरवल हमें दिया है, एंड देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी हमें दी है, हमें मोड दिया है, मोड दिया है, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दी है, तो हमें मोड दिया है 48.5, हमें लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास हमें 46.5 दिया, मतलब एल की वैल्यू 46.5 दिया है। जो हमें फ्रीक्वेंसी दिया है उस मॉडल क्लास का वो हमें 34 दिया है, ठीक है, और उससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो मुझे 32 दी है, और जो उसके सक्सीडिंग वाली फ्रीक्वेंसी है वो 25 दी है। तो हमें यहाँ पे विड्थ बताना है, ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपने मेरी स्टैटिस्टिक्स वाली क्लास नहीं देखी तो 1 घंटे मैंने सब कुछ करा रखा है, आप उसको जरूर देख लो। तो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ मोड का फॉर्मूला, मोड का जो फॉर्मूला होता है वो आपका एल प्लस, मैंने बताया था 1 0 1 0 2 1 0 sorry डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यार f1 minus f0 upon 2 f1 minus f0 minus f2, मैंने बोला था 1 0 1 0 2, और यहाँ पे भी आपका 2 रहता है, इंटू एच, एच आपका यही विथ है, वही आपको बताना है एच, बाकी सारी वैल्यू आपको दिया, मोड आपको दिया कितना 48.5, लोअर बाउंड्री आपको दिया है 46.5, प्लस फ्रीक्वेंसी वन क्या होता है, मैं अगर बोलूँ मान लो मॉडल क्लास ये है, मतलब आपका मोड यहाँ पे अगर लाई कर रहा है, आपको पता चल जाता है मोड कहाँ पे लाई करेगा, अभी मैं आगे भी बता दूंगा। तो मोड यहाँ पे लाई कर रहा है तो जो इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी वो एफ वन होती है, इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी एफ जीरो होती है, और इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी एफ टू होती है, मतलब ये नेक्स्ट ये वाली जो क्लास है इसकी ये होती है, इस वाले क्लास इंटरवल की ये होती है। तो एफ वन मतलब जो सामने वाला है जो हमें दिया है यहाँ पे 34 माइनस ये प्रीसीडिंग वाला होगा एफ जीरो, मतलब उसके पहले वाला प्रीसीडिंग, तो आपको यहाँ पे देखो प्रीसीडिंग दिया है 32 अपॉन टू एफ वन, एफ वन तो इतना था 68 माइनस आपका एफ जीरो मतलब प्रीसीडिंग, और ये जो आपका एफ टू है ये आपका सक्सीडिंग है, तो सक्सीडिंग वाले का देखो यहाँ पे दिया है, सक्सीडिंग वाले का दिया है 25 और इंटू एच, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो, आपका ये कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, ये तो आपका 2 ही तो आ जाएगा भाई, ये 2 आ जाएगा, और ये आपका कितना आ रहा है, आपका 2 ये भी आ रहा है, तो आपका ये 2 से 2 चला जाएगा, ठीक है, ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका 57 आ रहा है, 57 घटा दो तो आपका ये 11 आ रहा है, तो 11 आपका इधर चला जाएगा, तो आपका सिंपल एच की वैल्यू आपकी 11 आ जाएगी, ठीक है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा बहुत हम फॉर्मूला भी रिवाइज कर लेते हैं और सिग्मा के फॉर्म में रिवाइज करेंगे, जो फॉर्मूला आपका क्लास इंटर ग्रुप डेटा का बेसिकली फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, ठीक है। देखो, मीन का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ डेटा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक्स निकाला है और इंटू एफ किया है क्योंकि वो इतने बार रिपीट हो रहा है और उस सारे टाइप्स का हमने सम ले लिया है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको वो क्लास देखने की जरूरत है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। अगर मैं मीडियम की बात करूँ तो मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी बाई एफ इंटू एच होता है, एल लोअर बाउंड्री, एच विथ क्लास इंटरवल का जो विथ है वो दिया है, एन आपका सिग्मा एफ, एन सिग्मा एफ होता है ना भाई, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो, आपको पता है मीडियन आपका मान लो यहाँ पे लाई करेगा, मीडियन आपका इस क्लास इंटरवल में लाई करेगा, तो इसके सामने फ्रीक्वेंसी दी है और इसके ऊपर जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी है इसका जो सम होता है वही आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब सी होता है, मतलब इसके ऊपर जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी है वो आपका सी हो जाएगा। एफ इसके सामने वाला, इस मीडियन जो मीडियन वाली क्लास है इसके सामने वाला जो एफ होगा वो फ्रीक्वेंसी होगा। एच आपको पता है, आपको सब कुछ यहाँ पे पता है, आप ऐसे मीडियन निकाल सकते हो, यह फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर मैं वेरियंस की बात करूँ तो वेरियंस होता है सिग्मा स्क्वायर, जब भी स्क्वायर आ जाएगा तो आपको याद आना चाहिए यार स्क्वायर तो हम एक ही में कर देते हैं, हम क्या करते थे, हम मीन निकाल देते हैं, मीन को हम देखते थे सबसे गैप देखते थे कि भाई सारे डेटा का गैप कितना है, जो भी गैप रहता था उसका स्क्वायर करते थे, साथ में उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते थे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको वो क्लास देखने की जरूरत है, बाकी हम सिग्मा में कैसे लिखेंगे ये बता रहा हूँ। सिग्मा आपने क्या निकाला, आपने निकाला मीन, सबसे पहले आप मीन निकालते हो, मान लो मीन म्यू है, मीन को आप समझ लो म्यू से डिनोट करते हो, म्यू से इसका आपने देखा सारे टर्म्स के साथ गैप, उसका आपने किया स्क्वायर, और साथ में जो भी ये आपने एक का निकाला, एक टर्म का बेसिकली निकाला है कितना आपका डेविएशन है उसका स्क्वायर, और जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड बाय सिग्मा एफ कर दोगे, तो ये आपका वेरिएंस आ जाएगा। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का रूट होता है, मतलब आप सिग्मा करो भाई सिग्मा स्क्वायर इसका रूट करोगे तो आपका सिग्मा आ जाएगा, मतलब सिंपल इसका रूट कर दोगे, जो आपको ये वाला बड़ा वाला टर्म दिख रहा है इसका रूट कर दोगे तो आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, क्योंकि ये आपका रूट ऑफ वेरिएंस होता है, ठीक है। कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन बताऊं तो ये सिंपल आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन आपका मीन होता है। देखो यहाँ पे आप सिग्मा एफ कर रहे हो,
यहाँ पे सिग्मा एफ कर रहे हो, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको डिवाइड बाय मीन करना है। साथ में आपको रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड पता होना चाहिए। मोड जो होता है वह आपको 3 median - 2 mean होता है, और आपको ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब आपको डायरेक्ट मीन दिया हो, डायरेक्ट मीडियन दिया हो, आपको डायरेक्ट मोड पूछा हो, या आपको कोई भी दो चीज़ देख के तीसरी चीज़ पूछ सकता है डायरेक्ट। अदरवाइज अगर आपको डेटा दिया, मान लो आपको ऐसे डेटा दिया है, आप यहाँ से मान लो अगर आपको इस केस में आपको मोड निकालो, तो आप सिंपल सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हो रहा है वह आपको देखना है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब आ जाओ मीडियन। मीडियन क्या होता है? जो आपका टर्म सबसे बीच में लाई करता है। तो कैसे निकालूंगा, हमें सिर्फ ये देखना है कि किस मॉडल किस क्लास इंटरवल में आपका मीडियन लाई कर रहा है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले सिग्मा एफ निकालेंगे, मतलब सारे नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कर लेंगे। तो आपका 34 ये आपका आ जाएगा 46 आपका 89 आ जाएगा, 89, 90, 140 और आपका 200 आ जाएगा। तो ये आपका 200 आ रहा है, तो जो आपका 100वां टर्म होगा, 101वां टर्म होगा, वही आपका कुछ मीडियन होगा। अब आपको पता करना है 101वां टर्म लाई कहाँ से कर रहा है। तो देखो ये आपका 46 से आपका 89 हो गया, तो ये आपका 60, तो मतलब आपका यहीं पे कहीं लाई करेगा, मतलब आपका जो मीडियन होगा यहाँ पे लाई करेगा। साथ में मैंने आपको बताया था कि आपको ये भी पता करना है कि आपका 3000 से 3500 के बीच में लाई करेगा या 3500 से 4000 के बीच में लाई करेगा। ये कैसे निकालोगे, देखो आपको इसको टोटल करना है, ये कितना है और ये कितना है। तो आपका ये कितना है, ये आपका आ रहा है 89, ये आपका आ रहा है 51। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 89 ऊपर ज़्यादा वैल्यू है, तो ऊपर ज़्यादा वैल्यू है तो मतलब आपका जो 3000 से 3500 के बीच में लाई करेगा, मतलब फर्स्ट हाफ में लाई करेगा, क्योंकि ऊपर की वैल्यू ज़्यादा है। अगर नीचे की वैल्यू ज़्यादा होती तो सेकंड हाफ में लाई करता, मतलब जो भी आपका मीडियन आएगा वो 3000 से लेकर 3500 के बीच में आएगा। आप फॉर्मूला से कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मोड निकालना है। मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, यही तो होता है मोड। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट आपका 10 हो रहा है, तो 10 मतलब आपका मोड इसके 21 से 30 के बीच में लाई करेगा। साथ मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको निकालना हो कि आपका ये फर्स्ट हाफ में लाई करेगा या सेकंड हाफ में लाई करेगा, तो मैंने आपको बताया था भाई आपको सिंपल इसके ऊपर वाला देखना है, इसके नीचे वाला देखना है। मीडियन के केस में आपको पूरे का सम देखना था, लेकिन मोड वाले केस में आपको सिर्फ ऊपर का और सिर्फ नीचे का देखना है। तो देखो ऊपर वाला ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो फर्स्ट हाफ में लाई करेगा, अगर नीचे वाला ज़्यादा रिपीट करता तो सेकंड हाफ में लाई करता। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। साथ में आपको मैंने ये वाला टेबल इसलिए लिया है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें और सिखाना चाहता हूँ, बहुत ही ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पे 20 पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे 21 पे चालू हो रहा है, मतलब एक थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी आ गई है। एक मतलब 20 से 21 तक जो वैल्यू है वो गैप है। यहाँ पे आपका 2000 पे खत्म हो रहा था, 2000 से चालू हो रहा था, 1000 पे खत्म हो रहा था, 1000 पे चालू हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 20 पे खत्म हो रहा है, 21 पे चालू हो रहा है। तो आपको यहाँ पे एक बात ये ध्यान देनी है कि अगर मुझे लोअर क्लास लिखना है, जैसे कि मैं मोड का फॉर्मूला मैं आपको फिर से बता रहा हूँ क्या होता है, सॉरी एल प्लस आपका क्या होता है F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 * आपका क्या होता है H। तो इस केस में अगर आपको L लिखना है तो आपको ये बात समझनी है कि इसकी जो लोअर बाउंड, क्योंकि यहाँ पे 10 पे खत्म हो रहा है, 11 से चालू हो रहा है, तो इसकी जो लोअर बाउंड्री होगी 10.5 होगी और जो इसकी अपर बाउंड्री होगी 20.5 होगी। इसकी लोअर बाउंड्री 20.5 होगी, इसकी अपर बाउंड्री 30.5 होगी, ये बात आपको ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं से चालू हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लोअर बाउंड्री जो होगी आपकी ये L होगी। साथ में अगर मैं पूछ लूँ विथ, ये जो H है ये विथ है, विथ कितनी होगी, इन दोनों का डिफरेंस होगा। जैसे अगर आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो आप 9 निकालोगे जो कि गलत है, आपको इसका डिफरेंस निकालना तो आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो अगर जो H की वैल्यू है यहाँ पे वो 10 हो जाएगी, जो L की वैल्यू है वो आपकी 20.5 होगी। इस बात का आपको बहुत ही सुपर ध्यान देना है, ठीक है। साथ में आपका जो यहाँ पे मोड लाई करेगा वो 10.5 से लेके जो इसका मिड पॉइंट होगा 15 उसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 2 pillars ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोडवे विच इज 150 meters वाइड। मान लो ये 150 meters वाइड रोड है, ये जो रोड है आपकी 150 meters वाइड है, और दो पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, मतलब दो पिलर्स हैं साइड साइड में वो इक्वल हाइट के हैं, ठीक है। एट अ पॉइंट इन द रोड बिटवीन द पिलर, ये मान लो कोई पॉइंट मैंने ले लिया उस रोड में, ठीक है, रोड के बीच में एक कोई मैंने पॉइंट ले लिया है। द एलिवेशन ऑफ पिलर इज एक्स डिग्री वाई डिग्री, मान लो ये आपका एलिवेशन है जो ये एक्स डिग्री है और ये आपका वाई डिग्री है, ठीक है। और आपको टेन एक्स की वैल्यू 2/5 दिया, मतलब ये 2/5 है। अगर मैं इस 150 को बाद में लिखूँ, थोड़ा नीचे लिख लूँ, ठीक है, 150 को, तो ये 2/5 है और टेन वाई की वैल्यू आपकी 3/5 है। और आपको पता है ये जो पिलर्स है ना ये आपके इक्वल हाइट के, तो आपको इसको बराबर बनाना है, तो आप (3)(3) कर दो और आप इसको (2)(2) कर दो, तो आपका ये 10 और ये आपका 15, आपका ये 25 बन चुका है। इस 25 की वैल्यू आपको 150 दिया, मतलब (6) किया है। आपसे पूछा है हाइट ऑफ अ पिलर, हाइट ऑफ अ पिलर 6 है, (6) कर दो, आपका 36 आ जाएगा हाइट ऑफ पिलर, ठीक है।
अब देखो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिया है। मैंने आपको बताया कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिख जाए, तो मोस्टली केस में आपको अगर दो वैल्यू दिख रहा है, आपको हाइट बताना है तीसरे का, यहाँ पे हाइट बताना है, तो सिंपल आपको इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का आपको रूट लेना रहता है। मतलब हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिख गया, आपको हाइट बताना है, यहाँ पे दो वैल्यूज दिया है, तो सिंपल इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन का आप कर दो रूट। तो ये आपका क्या है, आपका 36 × 2 है, 2 को यहाँ पे डाल दो, आपका 256 हो जाएगा। इसका आपको रूट निकालना है, इसका 6 हो जाएगा, इसका आपका 16 हो जाएगा, 16 × 96 होता है, तो यहाँ से आपका 96 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी कॉम्प्लीमेंट्री दिख जाए, दो वैल्यूज दिया है, उन दोनों का प्रोडक्ट का रूट कर देना, आपको सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे पूछा है सक्सेसिव डिस्काउंट। तो देखो आपको अगर 2 दिया रहता, सिंपल एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 कर देते। 3 दिया है तो पहले आपको इन दोनों का निकालना है नेट, फिर जो भी वैल्यू आएगी फिर इन दोनों का निकाल लेना है, तो वही चीज़ हम करेंगे। तो पहले हम 20 और 35 का निकालते हैं, ओरली करेंगे, इसमें यार कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, 20 और 35, 55 माइनस 7 आपका 48 हो जाएगा, 48 हो गया। मैं आपको निकाल के भी दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको ना ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। देखो 20 + 35 - 35 × 20/100, तो ये आपका 55 - 7 आपका 48% आ गया। अब इस 48 और इस 10% का निकालूंगा, तो 48 + 10 = 58 × 10/100, मतलब 4.8, जो कि आपका 43.2% आपका आ जा रहा है। तो आपका 53.2 आ रहा है, तो आपका ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसको एक तरीके से और कर सकते हो, आपने मान लिया 100 रुपये इसका शुरू में है, आपने 20% डिस्काउंट दिया, मतलब आपने यहाँ पे आपने 4/5 कर दिया। फिर आपने 35% डिस्काउंट दिया, मतलब आपने यहाँ पे 13/20 कर दिया। फिर आपने 10%, मतलब 9/10 कर दिया, यहाँ से आपका ये चला जाएगा, आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 × 36 = 13 = 360, और आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 × 108 होता है, तो आपका यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 46.8 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 46.8 आपका मिल रहा है, इतने में 46.8 पे मिल रहा है, तो आपको डिस्काउंट निकालना, तो 100 आपने डिस्काउंट 53.2 का दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। अगर हमें नेट डिस्काउंट दिया हो, आपको एक्स और वाई परसेंट दिया, तो नेट डिस्काउंट क्या होता है, मैंने आपको बताया एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये आपका नेट डिस्काउंट होता है, इतना परसेंट आपका नेट डिस्काउंट होता है। अगर ये चीज़ में अगर मैं एक्स परसेंट वाई परसेंट इंक्रीज़ किया होता किसी वैल्यू को, तो उस केस में आपका एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100% आपका नेट इंक्रीज हुआ होता। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंपली, ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। देखो आपको पता है भाई, ये पॉइंट पॉइंट तो भाई ऊपर नीचे चला जाएगा, तो मतलब आपको सिंपल ये देखना है 124 × 279 / 264 × 594, क्योंकि ये पॉइंट पॉइंट आपका चला जाएगा, उस पर आपको ध्यान ही नहीं देना है। अगर मैं 4 से काटूँ तो 3 1, 4 से काटूँ तो 6 6, अगर मैं इसको किससे काटूँ, 9 से काट दूँ 3 1, 9 से काट दूँ 6 6, तो आपका 31/66 आ जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा जब, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट कह रहा है, अ 6-डिजिट नंबर जो है वो आपका डिविजिबल बाय 24 है, तो इसको आप प्राइम फैक्टर्स में तोड़ोगे, तो बेसिकली आपका 8 × 3 हो जाएगा। या आप कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो, को प्राइम पेयर्स में तोड़ोगे, क्योंकि आप इसको 6 × 4 में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये को प्राइम पेयर्स नहीं है, आप इसको 8 × 3 में तोड़ना है। तो मतलब ये आपका 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, या आपका 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, जो नंबर है आपका 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब आपको ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी क्यू बताना है। इसकी ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू तभी होगी जब पी भी आप मैक्सिमम लोगे, क्यू भी मैक्सिमम लोगे। तो एक बार हम क्यू की मैक्सिमम वैल्यू लेके देखते हैं। तो मान लो क्यू की वैल्यू मैंने 9 लिया, तो क्या आपका जा रहा है, आपका नहीं जा रहा, क्योंकि भाई ये जो 94 है, जो नंबर आपका 8 से जाएगा वो आपका 4 से भी जाएगा, इतनी बात तो क्लियर है। तो 94 तो आपका 4 से ही नहीं जाता, तो आपका 8 से क्या खाक जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू 8 ले लो, तो जब आपने 8 लिया तो आपका 96 जाता है, 96 96, फिर आपका 24, मतलब ये आपका जा रहा है, मतलब क्यू की वैल्यू आपकी 8 हो चुकी है। अब आपको देखना है 3 से डिविजिबिलिटी देखना है। तो भाई देखो 8 × 4 = 12, 3 से चला गया, 9 आपका 3 से चला गया, आपका पास 2 आ गया, और आपको पी की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो ये 2 आ चुका है, तो आप इसको 7 ले लो, तो 7 दोनों हो जाता है, आपका 3 से चला जाएगा। तो पी की मैक्सिमम वैल्यू 7 हो गई, क्यू की मैक्सिमम वैल्यू 8 हो गई, पी इंटू क्यू आपका 56 हो गया, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये डिविजिबिलिटी आया, तो मैंने डिविजिबिलिटी के साथ आपको एक चीज़ और पढ़ाना चाहता हूँ। मैंने आपको हर बार पढ़ाता हूँ कि जो आपका 7 × 13 × 11 का जो प्रोडक्ट होता है,
सीक्वेंस में लिख दूं, 7 × 11 × 13 का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका 1001 होता है। मतलब अगर कोई नंबर है जो आपका 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, तो वो आपका 1001 से डिविजिबल होगा। अब मैं इस 1001 को मैं ए बी सी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, आपका क्या आएगा, आपका ए बी सी आएगा। मतलब अगर कोई भी नंबर आपको ए बी सी मतलब ऐसे तीन तीन में रिपीटेड दिखता है, तो वह आपका 7 से भी डिविजिबल होता है, वो आपका 11 से भी डिविजिबल होता है, वो आपका 13 से भी डिविजिबल होता है, या कह सकते हो आप वो आपका इससे भी डिविजिबल होता है। तो आपको ऐसे दिखना चाहिए तीन तीन रिपीटेड फॉर्म में। साथ में आपको ऐसे भी दिख सकता है वो 57057। अब आप कहोगे सर ये तो तीन तीन में रिपीटेड नहीं दिख रहा है, आपको पीछे से देखना है, आपका ये ऐसे दिख रहा है, तो भाई इसके आगे जीरो तो लगा ही सकते हो, तो ये भी आपका तीन तीन के रिपीटेड फॉर्म में, मतलब ये भी आपका 7 से भी जाएगा, 11 से भी जाएगा, 13 से भी जाएगा और 1001 से भी जाएगा। समझ रहे हो? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो नंबर है वो आपका 7, 11, 13 से जा रहा है, तो आपको ये तीन तीन के रिपीटेड फॉर्म में दिखना चाहिए। तो 47XYZ की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी, इसकी 7 हो जाएगी, इसकी 9 हो जाएगी, क्योंकि ये जो नंबर है 479479 होना चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है वाई प्लस जेड, 9 + 7 = 16 डिवाइड बाई एक्स मतलब डिवाइड बाई 4, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी 4 आ जाएगी। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इलेक्शन मैंने अलग से भी पढ़ा रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं आप थोड़ा सा इसको नीचे कर दूँ, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा कि ये कटे ना, ठीक है। हरी कमल ललित कंटेस्टेड एन इलेक्शन इन विच 6050 वोट्स वर पोल्ड एंड नन ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, मतलब कोई भी वोट्स आपके इनवैलिड नहीं है। कमल गॉट 42% वोट्स मोर देन द टोटल वोट्स ऑब्टेन बाई हरी एंड ललित। मतलब अगर हरी और ललित अगर 100 वोट पाते हैं, तो जो आपका कमल है वो 42% ज़्यादा, मतलब 142 वोट्स पाता है। इतनी बात क्लियर है? इफ ललित ऑब्टेंड ओनली 8% ऑफ द टोटल पोल्ड वोट, टोटल वोट्स आपके इतने इनवैलिड, कोई है नहीं, इसका 8% अगर ललित पाता, तो मैं इसका 8% निकाल लेता हूँ। आपका ये जीरो से ये जीरो चला गया, 8 × 5 = 40, ठीक है, 40 आपका एक जीरो से एक जीरो और चला जाएगा, 8 × 6 = 48, तो 484 वोट आपके ललित भाई साहब पाए हैं। तो टोटल वोट्स अगर 6050 है, तो ये आपका टोटल वोट्स इन दोनों का समीत हुआ, तो ये आपका 242 ये टोटल वोट्स आ जाएगा, जिसमें अगर मैं निकालूं हरी और ललित का, तो हरी और ललित का इतना वोट्स आ गया, इतना आ गया। अब इसमें भी ललित का वोट 484 है, तो 484 घटा दूंगा, तो ये आपका बेसिकली कितना आ जाएगा, हरी का वोट आ जाएगा, क्योंकि ये आपका हरी और ललित का वोट है, इसमें से मैंने ललित का वोट माइनस कर दिया है। तो अब इसको कर लो, इसको आप किससे काट दो, 11 से काट दो, तो 11 × 11 × 11 = 25 2 5 50 2500 - 484, तो 2416 वोट आपका मिल जाएगा किसको, सॉरी 2416 वोट आपका मिल जाएगा हरी भाई साहब को, वही आपसे पूछा, तो आपका 2016 करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, द मार्क्स ऑब्टेन बाई 15 स्टूडेंट्स आउट ऑफ अ मैक्सिमम ऑफ 25 इन अ टेस्ट आर गिवन, हमें ये वैल्यूज दी है, हमें बताना है प्रोडक्ट ऑफ मोड्स। तो यहाँ पे आप ये समझो कि मोड्स आपके मल्टीपल हो सकते हैं। मोड्स क्या होता है, जो टर्म आपका सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो मान लो आपका कोई आपको डेटा दिया, मान लो उसमें जो मैक्सिमम रिपीट हो रहा है, मान लो 2 आपका 5 बार रिपीट हो रहा है, साथ में 7 भी आपका 5 बार रिपीट हो रहा है, और यही आपके मैक्सिमम रिपीट हो रहा है, तो ये दोनों ही मैक्सिमम रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपका दोनों ही मोड आएगा। लेकिन मीडियन में मीडियन एक ही आता है, भले से बीच में 2 टर्म्स हों, तो आप उन दोनों टर्म्स का एवरेज लेके मीडियन निकालते हो, यहाँ पे आपको इसका एवरेज लेने वाली गलती नहीं करनी है, ठीक है, यहाँ पे आपका दोनों ही मीडियन आएगा। तो यहाँ पे आप देख लो 13, 11, 16, 15, 18, 12, 13, मैंने ऐसे इसलिए लिखा जिससे जिसके जो रिपीट होगा उसको मैं सामने लिख दूंगा, 13, 14, 10, 22, 15, 21, 20, 17, 24, तो आपको दिख रहा है यही दो आपके मैक्सिमम रिपीट हो रहे हैं 2 बार, तो जो आपके मोड होगा वो 13 और 15 हो जाएगा, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट पूछा है, तो 150 45 195 होता है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोड का फॉर्मूला आपको फिर लिखा रहा हूँ, आपको याद होना हो जाना चाहिए, जिससे L+F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × H, अगर मैं मीडियन का फॉर्मूला दोबारा लिखाऊँ तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका L+N/2 - C/F × H, ये दोनों फॉर्मूले आपको रट जाने चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है, बहुत ही प्यार से समझना। कह रहा है बी परचेस्ड 15 kg एप्पल्स एट द रेट ऑफ 180 per kg फ्रॉम अ होल सेलर हु यूजेस अ वेट ऑफ 950 ग्राम फॉर द kg वेट।
तो आपको एक बात, अगर आपने ग्रामर पढ़ रखी है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये जो हु यूज हुआ है ये इस होल सेलर के लिए यूज हुआ है, मतलब जो होल सेलर है वह कर रहा है चीटिंग। जब ये होल सेलर चीटिंग कर रहा है तो इस होल सेलर का हो रहा है फायदा, इस होल सेलर का फायदा हो रहा है तो घाटा किसका हो रहा है, घाटा हो रहा है इस बी का, क्योंकि बी खरीद रहा है। तो यहाँ पे बी का घाटा हो रहा है। बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि आप किसी सब्जी मंडी पे गए आलू खरीदने, तो जो सब्जी वाला है उसने जो वेट है उसमें गड़बड़ घोटाला किया, तो उस सब्जी वाले का फायदा हो रहा है, आपका हो रहा है लॉस। तो वही चीज़ जब बी जाता है खरीदने होल सेलर के पास, होल सेलर चीटिंग कर रहा है तो होल सेलर का हो रहा है फायदा और इस बी का हो रहा है लॉस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और कितना लॉस हो रहा है ये हम देख लेंगे अभी। अब बी ये सारे एप्पल्स को 180 में ही बेच रहे, देखो 180 में खरीदा था, 180 में ही बेच रहा है, मतलब इसका यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, बट यूज्ड अ वेट ऑफ 750 ग्राम फॉर द केजी वेट। देखो 180 में तो बेच रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो बी है ये वेट में थोड़ी सी बेईमानी कर रहा है। जब ये बी बेईमानी कर रहा है वेट में, तो यहाँ पे वीक बी का हो रहा है फायदा। यहाँ पे तो बी का घाटा हो रहा था क्योंकि बी खरीदने गया था और वहाँ पे वो जो होल सेलर था वो चीटिंग कर रहा था, तो वहाँ पे बी का लॉस हो रहा था, और यहाँ पे बी का फायदा हो रहा है क्योंकि बी चीटिंग कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि बी का ओवरऑल कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है, जब भी आपका यहाँ पे सीपी लिखना है, यहाँ पे एसपी लिखना है, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपको बड़ी वाली वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, सॉरी प्रॉफिट हो रहा है ना, तो छोटी वाली वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है, बड़ी वाली वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है। अगर आपका हो रहा है घाटा, जब भी आपका घाटा हो रहा है तो आपकी बड़ी वाली वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, छोटी वाली वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। ये कॉमन सेंस है कि भाई अगर आपका फायदा हो रहा है तो आपको सीपी कम होगा एसपी ज़्यादा होगा, अगर आपका घाटा हो रहा है तो सीपी ज़्यादा होगा एसपी कम होगा, ये कॉमन सेंस है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको पहली बात तो दो वैल्यू दिख रहा है, 950 और 1000 होल सेलर के पास जब भी जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं होल सेलर लिख दूँ तो होल सेलर से जब वो परचेज कर रहा है तो आपको दो वैल्यू दिख रहा है, 950 और 1 kg, मतलब 1000 ग्राम। और आपको पता है यहाँ पे उसको हो रहा है घाटा, क्योंकि भाई दुकानदार होल सेलर चीटिंग कर रहा है, बी का तो घाटा हो रहा है। तो जब घाटा हो रहा है तो बड़ी वाली वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है, आपको दो ही वैल्यू दिख रही है 1000 और 950, बड़ी वाली वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है, छोटी वाली वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है। अब यहाँ पे जब वो बेच रहा है, जब वो बी खुद चीटिंग कर रहा है, जब बी बेच रहा है तो बी खुद चीटिंग कर रहा है, तो यहाँ पे बी का हो रहा है फायदा। और जब भी फायदा होता है आपको दो वैल्यू दिख रही है, 750 ग्राम 1000 ग्राम, तो छोटी वाली वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे, बड़ी वाली वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पे 180 में खरीद रहा है, 180 में बेच रहा है, तो यहाँ पे कुछ फायदा हो नहीं रहा, आप 180 लिख दो चला जाएगा, तो आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये कितना जाएगा, ये आपका आ जा रहा है 15 और ये आपका आ जा रहा है 19, मतलब 4 का फायदा हो रहा है 15 पे, तो इंटू 100 कर दो तो आपका इतने का फायदा हो रहा है, तो 15 दूना होता है 30, आपका 100 हो जाएगा, 15 × 90, फिर आपका ये आ जाएगा, इतना फायदा आपको हो जाएगा, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपसे कह रहा है 3 cards आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट मतलब सिंपली ये होता है कि भाई हर बार आपका जो पैक है वो बिल्कुल नया हो जा रहा है, हर बार जो आपकी गड्डी है बिल्कुल नई हो जा रही है। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड जैक। टोटल जैक आपके 4 होते हैं भाई, एक बार हर्ट के साथ होगा, एक बार डायमंड के साथ, एक बार आपका स्पेड के साथ, एक बार क्लब के साथ, टोटल 4 जैक हैं। तो टोटल 4 जैक हैं, टोटल कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, ये आपके जैक होने की प्रोबेबिलिटी है। पहला जैक हो, दूसरा आपका ब्लैक कार्ड हो, तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई पहला जैक होना चाहिए, दूसरा आपका ब्लैक होना चाहिए, और जो तीसरा है वो आपका नंबर्ड इवन नंबर्ड कार्ड होना चाहिए। तो आपकी गड्डी फिर से नहीं हो चुकी है क्योंकि आप रिप्लेस कर चुके हो, मतलब अब उसमें 52 कार्ड्स हैं, और 52 में कितने ब्लैक होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, तो ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी 26/52 हो जाएगी। फिर आपने रिप्लेस कर दिया क्योंकि भाई रिप्लेसमेंट लिखा है ना, फिर आपकी गड्डी बिल्कुल नहीं हो चुकी, उसमें 52 कार्ड्स हैं, और फिर आप यहाँ पे इवन नंबर कार्ड निकालो, इवन नंबर्ड कार्ड, इवन नंबर्ड कार्ड समझते हो, आपके जो नंबर्ड कार्ड होते हैं वो 2 से 10 तक होते हैं, इसमें इवन कितने हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, और ऐसे आपके 4 सेट, मतलब 5 कार्ड्स ये और इसके 4 से, मतलब 20 कार्ड्स आपके इवन नंबर्ड कार्ड हैं, तो 20 और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका 26 × 52 होता है आपका, आपका ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा, आपका ये हो जा रहा है 10, कार्ड दो 5, 26, तो आपका 5/36/18 आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे 338 आ जाएगा, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 13% एमंग 14% इज 78, द वेट ऑफ 14% हमें 39 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 14%। ठीक है, हमें वेट बताना 40% का, तो आप देखो यहाँ पे टोटल 14% का हमें एवरेज वेट दिया है, नहीं दिया है मान लेंगे, 13% का दिया है और 1% का दिया है, 1% का दिया है, तो हमें पता है यहाँ पे हम एलिगेशन इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि भाई टोटल का दिया है एवरेज, 13 का दिया है और इस अकेले का दिया है, इजीली हम एलिगेशन लगा सकते हैं। तो हमें टोटल का कितना दिया है, टोटल का हमें नहीं दिया तो हम एक्स मान लेंगे, टोटल का एक्स दिया है,
13 लोगों का, मान लो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, इतने लोग का रेशियो लिखते हैं, तो बेसिकली 13 लोग है और यहाँ पे एक बंदा है, तो हाँ 13 रेशियो एक हो जाएगा, उसका रेशियो तो लिखते हैं। तो इन 13 लोगों का जो एवरेज वेट है वो आपको 78 दिया है, और इसका ये जो आपका 14वां बंदा है उसका आपका एवरेज से 39 जाता है, तो एवरेज आपने एक्स माना है तो इसका एक्स प्लस 39 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें डिफरेंस देखना, तो आपको पता है ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये छोटी, तो आपका डिफरेंस आप ऐसे निकालोगे जो आपका 39 आ रहा है, फिर आप ऐसे डिफरेंस निकालोगे। आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको आपको या ऐसे जाओ या आप ऐसे जाओ, तो जनरली आप वहाँ से जाया करो, जो बड़ी वैल्यू बड़ी होती है वहाँ से छोटे पे जाया करो, तो ये वैल्यू बड़ी है आपकी सबसे, भाई ये एक्स है, इन दोनों में तो ये बड़ा है, तो आप ऐसे जाओ तो इन दोनों का डिफरेंस 39 आएगा, फिर आपको ऐसे जाना है तो आपका यहाँ पे एक्स माइनस 78 लिखना है, ये आपका इंटू 3 है, तो ये भी आपका इंटू 3 के बराबर होगा, तो ये बेसिकली आपकी 3 आ रही है इसकी वैल्यू, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ रही है आपकी 81, एक्स की वैल्यू 81 आई है, तो आपका जो 14 लोग का एवरेज है वह 81 है, लेकिन आपसे ये तो पूछा नहीं, आपको इसका वेट पूछा है 14वें बंदे का, तो ये आपका 81 इसमें जोड़ दो तो आपका 120 आ जाएगा, 14वें बंदे का 120 वेट आ जा रहा है, आपसे वही पूछा है कि 14वें बंदे का वेट कितना है, तो आपका 120 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, और इसके साथ हम एक क्वेश्चन और करेंगे, दोनों मैंने आपको प्रोबेबिलिटी वाले लेक्चर में करा रखा है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वो वाला लेक्चर प्रीफर कर लेना, क्योंकि भाई प्रोबेबिलिटी तो आपको पढ़नी ही है, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको ऐसा कुछ यूनियन, आपको इंटरसेक्शन, ये सब दिखता है, आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इसको हम वेन डायग्राम से करते हैं। कैसे करते हैं, पहली बात तो ये समझ लो कि ऑड अगेंस्ट बी का मतलब क्या है, ऑड अगेंस्ट बी का मतलब क्या है, तो आपको दो फार्मूला याद रखने हैं, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर, मान लो ऑड्स इन फेवर ऑफ बी आपको बताना है, तो ये आपका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि फेवर में है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ऑड्स अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट देखो अगेंस्ट आ गया, ऑड अगेंस्ट बी देखो अगेंस्ट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे फेवर था तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को ऊपर लिख रहे थे, यहाँ पे अगेंस्ट आ गया मतलब बी के ना होने का, तो बी के प्रोबेबिलिटी नॉट होने का ये हो जाएगा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, मतलब अगर मुझसे ऑड्स इन फेवर पूछे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, अगर ऑड अगेंस्ट पूछे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये आपको फॉर्मूला लिख लेना है, लिख लो अगर नहीं आता तो। अब देखो यहाँ पे वेन डायग्राम ड्रा करेंगे, आपका ए है, आपका बी है, और आपका यहाँ पे यूनिवर्सल है, ठीक है। सबको एक एक नामकरण दे दो, पहले तो आप यहाँ पे ए लिख दो, ये बी लिख दो, ये आपका यूनिवर्सल है, सबको नामकरण दे दो, सारे पार्ट्स को जितने आपको हिस्से दिख रहे हैं सबको नामकरण दे दो, ए बी सी और आपका डी हो गया। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है, ए यूनियन बी क्या होता है, ए बी सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको 5/9 दिया है। अब ए नॉट क्या है, अगर मैं ए नॉट की बात करूँ तो ए को छोड़ के बाकी सब, मतलब सी डी आपका ए नॉट है, सी डी आपका ए नॉट है, बी नॉट क्या है, बी को छोड़ के बाकी सब, मतलब ए डी आपका बी नॉट है, ए डी, इन दोनों का यूनियन अगर मैं लूंगा तो आपका सिंपल ए सी डी आ जाएगा, तो आपको ए प्लस सी प्लस डी की जो वैल्यू दिया है वो आपको 13/27 दिया है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए क्या है भाई, ए और बी, ए प्लस बी की जो वैल्यू दिया आपको 11/18 दिया है। आपसे पूछा क्या है, आपको ऑड अगेंस्ट बी बताना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताना है, या आप ये भी कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट क्या होगा, अगर मैं बात करूँ बी को छोड़ के, मतलब इसको छोड़ के बाकी सब, मतलब ए प्लस डी, ये तो है भाई बी को छोड़ के ए प्लस डी ही तो है, अपॉन 1 माइनस ए प्लस डी कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, तो आपको ये चीज़ बतानी है। अब यहाँ से मैं कैसे निकाल सकता हूँ ए प्लस डी, अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो यहाँ से अगर मैं ए प्लस बी घटा दूँ, क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू इतनी है, तो आपका सी की वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल मैं 5/9 में से 11/18 घटा दूंगा, तो इंटू टू कर दूंगा तो आपका यहाँ पे -1/18 आ जाएगा। अब आपको एक बात समझनी है, प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं आ सकती, यहाँ पे सी की वैल्यू -1/18 आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन आपका वो पहली बात तो रॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन मुझे यहाँ पे आपको तरीका से कर रहा हूँ, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो आपका -1/18 आ गया। अब आप -1/18 यहाँ पे डाल दोगे तो आपका a प्लस डी की वैल्यू आ जाएगा, आपको a प्लस डी की ही वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आप -1/18 कर दोगे तो आप इंटू 3 कर दो, यहाँ पे इंटू 2 आप यहाँ पे कर दो, तो 26-3 आपका 23/54 आ जाएगा, तो a प्लस डी की वैल्यू आपकी 23/54 आ गई है, और यहाँ पे 1-23/54 कर दूंगा तो आपका सिंपल क्या आ जाएगा, कुछ मैंने यहाँ पे गलत किया, क्या फॉल्ट किया मैंने, कुछ यहाँ पे लग रहा है मुझे, कुछ तो फॉल्ट किया है, अच्छा यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा ना, ठीक है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका 29 आ जाएगा, तो ये आपका 29/
29 बटे 54 आ जाएगा। ये आपका क्या आया, ये आपका a प्लस डी की वैल्यू आया, तो आपका 29 बटे 54 अपॉन 1 माइनस 29 बटे 54, तो आपका 29 बटे 54 से 54 चला जाएगा, 54 माइनस 29 कितना होगा, 54 माइनस 29 आपका यहाँ पे 5 और यहाँ पे आपका 25, तो 29 बटे 25 आपका आ जाएगा ऑड्स अगेंस्ट b, तो आपका ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका रॉन्ग है। सेम हम इस पर भी करेंगे, देखो कैसे करते हैं। हमें ए बी सी तीन चीज़ दिख रही है, तो ए बी और ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका यूनिवर्सल, सबको मैं नाम दूंगा ए बी सी, ये आपका यूनिवर्सल, सारे पार्ट्स का मैं नामकरण कर दूंगा ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है हाँ, और ये आपका हो गया एच। अब आपको दिया क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी दिया है, बी क्या है भाई, बी ये है, यही तो है बी, मतलब आपको यहाँ पे बी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ की जो वैल्यू दिया है वो 3/4 दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए क्या है भाई, ए क्या है, ए आपका ए ई डी जी है, यहाँ पे देखो ना ए आपका ये है, आपका बी क्या है, ये आपका ए है, बी आपका क्या है, ई बी जी एफ, ई बी जी एफ, सी नॉट क्या है, मतलब सी को छोड़ के बाकी सब, तो सी को छोड़ के बाकी सब ए ई बी एच, ए ई, ये ए है, ये ई है, ये बी है, ये एच है, ये आपका सी नॉट है। इसका आपको इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन हो, इन तीनों में कॉमन क्या है, अगर मैं इन तीनों में कॉमन की बात करूं तो आपका क्या ए कॉमन है, नहीं है, ई क्या कॉमन है, देखो ई तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन होगा वही लोगे, ई हो गया, क्या आपका डी कॉमन है, डी आपका कॉमन नहीं है, क्या आपका जी कॉमन है, जी भी आपका कॉमन है, सिर्फ आपका ई आ रहा है, इस ई की वैल्यू आपको 1/3 दिया है, ई की वैल्यू आपको 1/3 दिया है, इसको मैं इरेज कर सकता हूँ क्या, अभी मैं इरेज नहीं करूँगा। ए नॉट क्या है, ए नॉट मतलब इसको छोड़ के बाकी सब, ए नॉट है आपका क्या, आपका ए नॉट है, एक सेकंड इसको इरेज कर दूँ ना थोड़ा सा, एक सेकंड जाओ बस, हाँ हाँ, ए नॉट आपका क्या है, ए नॉट है आपका बी एफ सी एच, मतलब ए को छोड़ के बाकी सब, और बी क्या है, बी मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ ये है, सी नॉट क्या है ऑलरेडी निकाल चुका हूँ ये है, अब आपको इन तीनों में इंटरसेक्शन देखना है, तो क्या आपका बी आ रहा है, क्या बी आपका तीनों जगह आ रहा है, देखो बी आपका यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो बी को आप लोगे, क्या आपका एफ आ रहा है, क्या एफ आपका यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा, नहीं ले सकते, सी लोगे क्या, सी आप नहीं ले सकते, ये सी है आपका, एक सेकंड देख लो, ए नॉट है ना, बी एफ, ठीक है, क्या आप एच को ले सकते हो, क्या एच को आप नहीं ले सकते, मतलब सिर्फ आप बी को ही ले सकते हो, तो आपको बी की वैल्यू जो दिया है यहाँ पे वह आपको दिया है यहाँ पे 1/3। अब मैं बाकी चीज़ें इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतनी चीज़ों की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट सी, मतलब आपको यहाँ पे बी नॉट सी क्या हो जाएगा, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, मतलब आपको जी प्लस एफ की वैल्यू बतानी है, यहाँ पे आपको दिख रहा है भाई, आपको इसी की तो वैल्यू बतानी है जी प्लस एफ की, तो देखो आप आराम से निकाल सकते हो, आपको ई प्लस बी की वैल्यू पता है, आपको ई प्लस बी की वैल्यू पता है, आपको जी प्लस एफ की वैल्यू बताना है, बहुत आसान है, मतलब इसमें से आप इन दोनों को घटा दो, मतलब 3/4 में से आप इन दोनों को घटा दो, मतलब 2/3 को घटा दो, ठीक है, 2/3 को घटा दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4/4, ये आपका आ जाएगा 3/3, 9 में से आपका 2 गया, आपका 9 में से 8 गया 1/12, कितना आसानी से हमने निकाल दिया इसको, तो आपका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन इसलिए कराया जिससे आप इजी वाले आसानी से कर लो, इतना आपका हार्ड नहीं आएगा, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 meter हाई बिल्डिंग इज 60 degree, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 meter हाई बिल्डिंग, ये आपका 10 meter हाई बिल्डिंग है, ये एक टॉपर है, सॉरी टावर है, ठीक है, इस टावर से डिप्रेशन कह लो या इस यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कह लो, बात एक ही है, तो ये आपका 60 degree है, ये आपका 60 degree है, जो दोनों के बीच में दूरी है वो 50√3 है। अब आपको बताना क्या है कि इसकी हाइट बताना है, टावर की हाइट, इससे पहले मैं आपको कुछ रेशियो याद करा दे रहा हूँ, ठीक है, या इस क्वेश्चन को करके फिर हम रेशियो देख लेंगे। तो देखो ये 50√3 है, तो ये भी आपका 50√3 हो जाएगा, 60 के सामने वाला साइड बड़ा होता है, उसको बड़ा करने के लिए हम इसको √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसको √3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 50√3 आ जाएगा, मतलब ये आपका 150 आ चुका है, ये आपका 150 आ चुका है, ये आपका 10 है, मतलब टोटल आपका 160 हो जाएगा, और ये आपके टावर की हाइट 160 हो जाएगी, तो आपका ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैं यहाँ पे आपको कुछ रेशियो आपको ऑब्जर्व करा देता हूँ कैसे हम करते हैं। 30 के सामने वाली साइड होती है छोटी, और छोटा करने के लिए हम उसको √3 से डिवाइड करते हैं, तो अगर ये 15 है तो आपका 15/√3 हो जाएगा। 60 के सामने वाली साइड होती है बड़ी, 30 के सामने वाली साइड होती है छोटी, 60 के सामने वाली साइड होती है बड़ी, बड़ा करने के लिए हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका 20√3 हो जाएगा। मैंने आपको दो चीज़ें बताई, फिर से सुनो,
30 के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है छोटी, छोटा करने के लिए मैं रूट थ्री से डिवाइड करता हूँ, 60 के सामने वाली साइड होती है बड़ी, बड़ा करने के लिए मैं उसको क्या करता हूँ रूट थ्री से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब देखो ये वाली साइड छोटी है, ये तो 60 डिग्री है ना, तो इसको मुझे बड़ा, ये बड़ा साइड हो तो बड़ा करने के लिए मैं इसमें रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। भाई 45 के सामने तो बराबर ही रहता है भाई, तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। ये देखो ये 30 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड होगी छोटी, छोटी करने के लिए मैं उसको रूट थ्री से डिवाइड कर देता हूँ। ये 60 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड को बड़ा करना है, बड़ा करने के लिए रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपको 20√3 आ जाएगा। साथ में आपको एक बात और ध्यान देना है, एक रेशियो और याद कराऊंगा, हाईलाइटर से करा देता हूँ। अब हाईलाइटर कितना बड़ा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है एक सेकंड तो थोड़ा सा कलर बढ़िया ले लूँ वरना दिखेगा नहीं तो क्या मतलब, डार्क ले लेता हूँ ठीक है। हाँ साथ में जो 60 डिग्री वाला एंगल है आपको उसको थोड़ा सा देखना है, जैसे 60 डिग्री आपको यहाँ पे दिख रहा है और ये वाला साथ में देखना है, हाइपोटेन्यूस को लेना है और साथ में 60 डिग्री साथ जो जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे इसको देखो, इसको आप इसको देखो, साथ में यहाँ पे आपको 60 डिग्री पे ये दिख रहा है, यहाँ पे आपको 60 डिग्री हाइपोटेन्यूस को तो लेना ही, साथ में आपको 60 डिग्री के साथ वाली जो साइड्स हैं उनको लेना है सिर्फ, ठीक है। और आपको पता है हाइपोटेन्यूस होता है बड़ा, तो जो ये वाली साइड है इसका जस्ट डबल हो जाएगा ये वाला, मतलब ये आपका 40 हो जाएगा। अगर 60 है तो 60 के जो साथ वाली साइड है वो 20 है, तो हाइपोटेन्यूस उसका जस्ट डबल हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर ये 35 है तो यही वाली तो साइड लगी हुई है दोनों, तो ये अगर 35 है तो ये आपका हो जाएगा 70, क्योंकि हाइपोटेन्यूस बड़ा होता है। अगर ये 70 होता तो इसका हाफ कर दे तो आपका ये निकल जाता, ठीक है। जैसे आपको पता है ये इसका डबल हो जाएगा क्योंकि ये 12√3 है, 12/√3 है, तो ये आपका 24/√3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका देखो 60 है, ये वाली साइड लगी हुई है ना, तो हाइपोटेन्यूस इसका जस्ट डबल हो जाएगा, तो ये आपका 40 हो जाएगा। ये सारे रेशियो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपने, अगर आपको कंप्लीट एडवांस मैथ का रिवीजन करना है तो ये एक सिंगल लेक्चर, क्योंकि भाई आप अब प्री क्वालिफाई कर चुके हो, आप मेंस में आ चुके हो, ठीक है, तो अब आपको रिवीजन ही करना होगा भाई, बेसिक से तो पढ़ाना नहीं है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें 7 घंटे में, 7 घंटे का लेक्चर है बेसिकली, 7 आवर्स का, इसमें मैंने सब कुछ ही कंप्लीट करा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो आप इसको जरूर देख लेना क्योंकि आपका एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी देखो इसके जो पीडीएफ पड़ी है ना वो चैप्टर वाइज पड़ी है, आप बहुत सारे बच्चे कंप्लीट एडवांस मैथ सोच के सर्च करते हो, आपको उससे नहीं मिलेगा, आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, उसके आगे रिवीजन लिखा होगा, वही वाली पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है मेरे टेलीग्राम पे जाके, बाकी मैं उसको अरेंज करा दूंगा, ठीक है, आप टेंशन मत लो। स्टैटिस्टिक मैंने अपलोड कर रखा है, 1 घंटे का लेक्चर है, सब कुछ कंप्लीट है, आप 4-5 घंटे का पढ़ के आओ, आपसे उससे ज़्यादा इस ये वाला वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इस वीडियो की, सिंगल वीडियो की लगेगी, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। प्रोबेबिलिटी 2.5 घंटे में करा रखा है, सब कुछ, कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं, ठीक है, और बहुत ही अच्छे लेवल का करा रखा है, और कोई भी फार्मूला नहीं, मतलब आपको फील आ जाएगा कि मतलब हाँ ऐसे करते हैं, वो अच्छी आप सोच के कर पाओगे, आपको कोई फार्मूला याद नहीं कराया मैंने, तो आप इसको भी देख सकते हो। तीनों का मैं यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मेरे ख्याल से आज वाला लेक्चर ज़्यादा इंटेंस हो गया था, लेकिन आने वाले जो लेक्चर रहेंगे मेरे 40 से 50 मिनट के बीच में ही रहेंगे, ठीक है। साथ में हम 25 से 30 लेक्चर के आसपास टारगेट करेंगे मेंस के लिए, और आपको पता है एक सिंगल लेक्चर की प्रोडक्टिविटी आप देख रहे होगे कैसी है, तो 25-30 में आपका बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएगी, क्योंकि पिछले बार तो मैंने शायद 12-13 लेक्चर ही कराए थे इंटेंस मैथ रिवीजन का, और आपने देखा होगा चीज़ें। बाकी जो एडिशनल चीज़ें हैं, जैसे आपका कंप्लीट एडवांस मैथ का लेक्चर है, इसको आप जरूर देख लेना, अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं पे दिक्कत आ रही है तब, ठीक है। प्रोबेबिलिटी स्टैट्स है, ये आपको अलग से देखना पड़ेगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स मैंने पढ़ा रखे, मैं आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा 2024 के लिए, जैसे रेस हो गया आपका, बाकी चीज़ें हो गई, इलेक्शन हो गया, अगर इन सब टॉपिक्स में आपको दिक्कत है तो आप उसको जरूर देख लेना, ठीक है। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा इसी में, इंटेंस मैथ रिवीजन 2.0 में ही मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दूंगा, वो भी सारे लेक्चर्स ऐड कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप बता देना आपको क्लास कैसी लगी, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, अगर आपकी कोई क्वेरी आप मुझसे यहाँ पे पूछ लो, ज़्यादा इजी होता है रिप्लाई देना। बाकी टेलीग्राम आपके पास है ही, मेल पे क्या ही है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेल पे भी, जहाँ पे भी आपको इजी लगे आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।